हेलो गाइस, वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। मेरा नाम है अंकित और अभी आप यहां पर देख रहे हैं बीएमसी के प्रैक्टिस सेट्स। ठीक है, अब देखो कंक्रीट के बारे में आज हम थोड़ी बहुत चर्चा करने वाले हैं, जैसा कि हम पिछली वाली क्लास के अंदर भी ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन अभी थोड़ी सी चर्चा को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे। ठीक है गाइस, तो देखो बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है या फिर आपके पास ऐसा है कि सर कोई भी आपके पास कोर्सेज के लिए क्वेरी वगैरह है, तो आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं या फिर आप इन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। अगर यदि आपको कोई डाउट्स वगैरह है तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, जिसका लिंक आपको पता है दिख ही रहा होगा, है ना, वो ज्वाइन कर लेना। अदरवाइज आप इस पर मेरे को मैसेज कर सकते हैं। टेलीग्राम वाली आईडी है, इस ए को कैपिटल रखना ना भूलें। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं। देखो क्वेश्चंस के ऊपर आ जाते हैं धीरे 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 धीरे, कोई दिक्कत नहीं है सर। बहुत क्लासेस लग गई सर, 14 क्लासेस लग गई। क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी तो हमारे 600 प्लस हो गए। देखो बीएमसी के 600 प्लस क्वेश्चंस कर लेना, 600 से ऊपर ही है बिल्कुल। अगर मैं बताऊं तो 650 का अलोंग हमने क्वेश्चन कर लिए, अराउंड 650 के ऊपर। तो देखा जाए तो एक अच्छे लेवल पे हम क्वेश्चंस कर रहे हैं और उसमें भी 650 क्वेश्चंस सर बहुत होते हैं, ये तो है ना। तो देखो कंक्रीट में आपको कुछ नहीं बचेगा इसके बाद। इसके बाद मैं कह दूंगा कि मेरी तरफ से आप बिल्कुल फ्री हैं, जितनी मैक्सिमम प्रैक्टिस सीट्स आपको कहीं पर भी मिल सकता है, किसी भी जगह पे, वो सब यहीं पे मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू, सारे लोग जुड़ जाए मेरे से। देखो जल्दी से आ जाओ, जल्दी से शेयर वेयर कर दो, लिंक विंक डाल दो टेलीग्राम ग्रुप पे अपने, है ना। बाकी बताओ जरा जल्दी से भेज देंगे, शेयर वेयर कर दो यार। पहला क्वेश्चन आ गया आपका कि सर प्रोग्रेसिव इंक्रीज इन द इनलास्टिक डिफॉर्मेशन ऑफ कंक्रीट अंडर सस्टेन्ड स्ट्रेसेस कंपोनेंट इज नोन एज। अब देखो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन को ढंग से पढ़ेंगे, बिल्कुल प्यार से पढ़ेंगे। देखो आप क्वेश्चन कहना क्या जा रहा है। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है मेरा कि सर प्रोग्रेसिव इंक्रीज इन द इन इलास्टिक डिफॉर्मेशन ऑफ कॉन्क्रीट। चलो ठीक है, आपने नहीं पढ़ा है कॉन्क्रीट के अंदर सर, ठीक है, ये पार्ट सर मेरे को नहीं आता, मान लो नहीं आता। ठीक है, यहाँ पर नहीं आता, चलो सर ये क्या बोल रहा है, सर बोलने की क्या कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, एक मैंने बोला था कि सर एक ऐसा फेनोमेना है जो कि टाइम डिपेंडेंट होता है आपका। कौन सा फेनोमेना है वो? इन चारों में से कुछ दिख रहा है आपको? यहाँ पर आंसर दिख रहा है गुड आफ्टरनून, बिल्कुल एसकी गुड आफ्टरनून आपको भी, है ना। यहाँ पर देखो आपसे पूछा सर प्रोग्रेसिव इंक्रीज इन द इनलास्टिक डिफॉर्मेशन, ऐसा कह रहा है कि सर ठीक है कि स्ट्रेसेस को अगर हमने बिल्कुल अंडर सस्टेन कर दिया, बिल्कुल स्ट्रेसेस को हमने सस्टेन कर दिया, यानी कि सेम स्ट्रेस पे आपको एक्स्ट्रा डिफॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। सेम स्ट्रेस से आपने स्ट्रेस नहीं बढ़ाया। स्ट्रेस नहीं बढ़ाने का सीधा मतलब क्या है कि देखो कोई भी मटेरियल, उस मटेरियल के ऊपर आपने स्ट्रेस तो बढ़ाया नहीं, यानी कि लोड तो बिल्कुल सेम है। उसी लोड पे, सेम लोड पे आपको डिफॉर्मेशन जो है बढ़ते जा रहा है। किस फेनोमेना को कहते हैं ये? मेरे ख्याल से यार ये तो आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि सर हमारे जो क्रीप निकल के आती है कंक्रीट की, जो क्रीप निकल के आती है, देखो कंक्रीट की क्रीप किसको बोलते हैं कि सर ठीक है आपने सेम लोडिंग लगाई है, उस सेम लोडिंग पे आपको एक्स्ट्रा आपको डिफॉर्मेशन देखने को मिला है सेम लोड पे, या सेम लोड कह दो स्ट्रेसेस के, तो एक ही बात है। इस फेनोमेना को हम क्रीप कहते हैं। देखो आरसीसी में खूब पढ़ा होगा आपने क्रीप ऑफ कंक्रीट, है ना। क्रीप को निकालने के भी मेरे पास तरीके हैं यहाँ पर। ठीक है, चलो ठीक है, गुड आफ्टरनून। हाँ ठीक है, देखो बी ऑप्शन देखो लगा दिया है बहुत से लोगों ने, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट है आपसे, अब देखो बहुत सबको नहीं पता होता कि सर लाइट वेट कॉन्क्रीट क्या होता है। देखो लाइट वेट कॉन्क्रीट, देखो तीन टाइप के कॉन्क्रीट बोल सकते हैं। एक तो होता है नॉर्मल वेट कॉन्क्रीट, नॉर्मल तो आपको पता ही पीसीसी के अंदर यूज करते हैं। ठीक है, पीसीसी वाला कॉन्क्रीट, उसकी आपको डेंसिटी भी पता रहती है, किसी के पता नहीं होती पीसीसी आरसीसी की डेंसिटी, तो सबसे पहले जानता है इंजीनियर, एज एन इंजीनियर हमको पीसीसी आरसीसी की तो पता ही रहती है, आरसीसी हम तो बड़े अच्छे से पढ़ते हैं, है ना। तो पीसीसी की चलती है आपकी कितनी कितनी जल्दी बताओगे जरा? अरे यार ये भी मैं ही बताऊं, सब कुछ मैं ही कर दूं आपके लिए। चलो देखो, तो लाइट वेट कॉन्क्रीट आपके पास क्या होता है कि सर देखो ये वेट में थोड़ा सा लाइट होगा। अब लाइट बनाने का मतलब क्या हुआ सर, क्यों बनाया हमने? तो देखो लाइट वेट अगर मैंने बनाया है तो सीधी सी बात है सर आपको फायर रेजिस्टेंस अच्छी देगा। दूसरी बात, ये जो डेड लोड होता है मेरा, अब डेड लोड का मतलब क्या होता है, सीधी सी बात है, अगर डेड लोड की मतलब मैं कह दूं तो खुद का सेल्फ वेट है ना। सेल्फ वेट के अलावा तो और कोई डेड लोड हो नहीं सकता। कभी ना कभी किसी न किसी फॉर्मेशन पे आप कुछ भी रखोगे तो वो लाइव लोड ही कहलाएगा। डेड लोड के टर्म में सिर्फ और सिर्फ एक सेल्फ वेट को ही काउंट कर सकते हो आप, क्योंकि ऐसा मटेरियल कोई नहीं जिसके अंदर परमानेंट आपका लोड होता है ना। किसी भी मटेरियल के ऊपर परमानेंट लोड है, या तो मैं हाथ से लगाऊंगा तो मैंने लगाया तो लाइव लोड हो गया। अब परमानेंट जो बिल्डिंग का खुद का लोड है वो उसका डेड लोड के अंदर काउंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर डेड लोड यानी कि सेल्फ वेट को कम कर देगा, फायर रेजिस्टेंस को इंक्रीज कर देगा। अब लाइट वेट सर कैसे बनाऊं सर कंक्रीट को, क्या करूं मैं लाइट वेट बन जाए? तो सर लाइट वेट एग्रीगेट्स को यूज करेंगे हम। सर ऐसे कैसे कह रहे हो आप? देखिए आपने जैसे शेल देखा है, शेल आपका लाइट रहता है, क्ले आपने देखा लाइट रहता है, तो इनका यूज करो आप, क्ले का यूज करो, शेल का यूज करो, स्लेट का यूज करो, तो इनका आप यूज करोगे। जैसे प्यूमाइस स्टोन के बारे में बोला था ना हमने, अगर उनका हम यूज करेंगे तो उससे मेरे को क्या मिलेगा? लाइट वेट कॉन्क्रीट। सर लाइट वेट कॉन्क्रीट की डेंसिटी क्या रहेगी? क्वेश्चन तो उठता है दिमाग में।
सर क्या रहेगी सर इसकी डेंसिटी? तो देखो नॉर्मल से तो आपकी कमी रहने वाली है, लेकिन सर कितनी कम तक बना सकते हैं हम? तो मिनिमम रेंज बता दूं लगभग लगभग कितने का बना देते हैं? तो लगभग लगभग अगर मैं बात करूं ना आपसे, तो लगभग लगभग हमने ऐसे भी देखा है कि इसकी जो कंक्रीट की डेंसिटी है ना लगभग लगभग 300 तक आ जाती है। देखो वैसे तो 2400 चल रही है आपके पास, केजी पर मीटर क्यूब की बात कर रहा हूं मैं, तो 300 केजी पर मीटर क्यूब के अंदर भी आ जाती है आपके पास इतनी डेंसिटी। सर इतनी कम डेंसिटी? बिल्कुल, इतनी कम तक अचीव कर लेते हैं, इससे कम रहेगी मेरे पास, है ना। तो जनरली अगर मैं बात करूं तो 990, देखो हर एक बुक के अंदर थोड़ी थोड़ी अलग लिखी हुई रहेगी, है ना। इनमें ना लगभग लगभग कुछ कुछ आपके पास ऐसा नहीं है कि एग्जैक्टली रिजल्ट देखने को मिलेगा ना, तो 1950 या 1960 के आसपास आपको बुक्स के अंदर देखने को मिलेगी। तो मैं लगभग लगभग कह दूं कि सर इससे लेके इसके बीच में चलेगा तो मेरा लाइट वेट है, अगर इससे इसमें चला तो नॉर्मल वेट है, इससे ज्यादा पहुंच गया। अब इससे ज्यादा भी कहां तक जा सकता है आपका? हेवी वेट में कहां तक पहुंच जाएगा? 4000 केजी पर मीटर क्यूब, ये आपका हेवी वेट है ना, ये तो नॉर्मल वेट है, ये लाइट वेट है, ये हेवी वेट, ठीक है। अब यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है सर, इसके अंदर जो है यहाँ पर अगर देखें तो वर्केबिलिटी ज्यादा रहने वाली है, लेकिन यहाँ पर सेम सी बात है, अगर आपने लाइट बनाया किसी चीज को तो वो आपको भी पता है कि सर इसकी डेंसिटी कम है, तो कम डेंसिटी है तो यानी कि इस कंक्रीट का जो बियरिंग स्ट्रक्चर है वो यानी कि बियरिंग जो बियर कितना कर पाती है लोड, वो भी थोड़ी सी कम हो गई थी। 300 केजी पर मीटर क्यूब तक ला सकते हैं, ये मैंने बता दिया आप लोगों को। बाकी देखो ऐसे कोई बात नहीं है कि चलो ठीक है सर, आपको पता होनी चाहिए थोड़ी बहुत बात, है ना। लाइट वेट कॉन्क्रीट नाम सुना है, सबने सुना होगा, लेकिन डिटेलिंग सर डिटेलिंग तो है नहीं कहीं, बस लाइट वेट है, बस इतना पता है हमें, है ना। तो यहाँ पर देखो सारी बातें पता होनी चाहिए, होनी चाहिए ना। तो देखो आगे बढ़ो, आगे क्या कह रहा है कि सर इज द क्वांटिटी ऑफ फाइन एग्रीगेट रिक्वायर्ड फॉर पर 50 वेट। अब देखो ये क्या कह रहा है कि सर 50 केजी का सीमेंट, ठीक है, यहाँ पर मिक्स दे रखा है आपको, ये देखो M150 का है, क्या दे रखा है इसने, चलो ठीक है जो भी है, यहाँ पर जीरो ज्यादा लगा दिया इसने ना, 1-4 ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट यहाँ पर आपको दे रखा है, यहाँ पर फाइन एग्रीगेट आपसे पूछा हुआ। एक बात बताओ मेरे को, ठीक है, इसने क्या दे रखा है सर, 50 केजी के सीमेंट के ऊपर मेरे को कितनी रिक्वायरमेंट पड़ेगी किसकी, इसकी, ठीक है। अब देखो ये क्या है, अगर यदि यहाँ पर लिखो तो मेरे कॉन्क्रीट क्या होता है, सीमेंट इधर होता है, बीच में सैंड होता है, ठीक है, पीछे बाद में यहाँ पर क्या देगा फाइन एग्रीगेट, ठीक है, कोर्स एग्रीगेट, सॉरी फाइन एग्रीगेट एंड कोर्स एग्रीगेट, ठीक है। तो 1 तो सीमेंट और यहाँ पर 2 सैंड होगा, 4 आपका एग्रीगेट होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये 1 सीमेंट है, यानी कि 50 केजी सीमेंट है, या तो मैं ऐसे कर दूं कि सर 50 केजी की सीमेंट है तो मेरे पास कितना लगेगा, 100 केजी के आसपास का ये लगेगा, ठीक है। लेकिन ये बात है, ये दे रखा केजी में और यहाँ पर आपसे आंसर पूछ रहा है किसके अंदर, मीटर क्यूब में। केजी को मीटर क्यूब में कैसे बदलूंगा बताओ जरा, एक बैग के अंदर, एक बैग सीमेंट के अंदर आपके पास कितने कितने लीटर के अंदर सीमेंट आता है बताइए, कितने मीटर के अंदर आता है, कितने मीटर क्यूब आता है या कितने लीटर आता है बताओ। तो 0.035 आता है, इतना आता है। जिसको नहीं आता है ये निकालना, तो देखो आपको क्या करना होता है कि आपको इसके अंदर सिंपली इसकी डेंसिटी का डिवाइड कर देना होता है। ये देखो इसकी डेंसिटी 1440 होती है, इसका डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 0.035 आएगा, इसकी अप्रोक्स वैल्यू आ जाएगी आपको ना। तो ये इतने लीटर होता है, 1 मीटर क्यूब बराबर आपके पास 1 लीटर आता है। इसका मतलब क्या है, 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर का, यानी कि 1 मीटर क्यूब बाय 1 मीटर क्यूब के अगर आप कोई टंकी ले दो तो उसमें कितना पानी भराया आएगा, तो उसको देख लेना आप, 1000 लीटर पानी भरा के आएगा उसमें, ठीक है, उठा के देख लेना आप, चाहे भर के मत देखना सर, 1000 लीटर पानी को वेस्ट कर दो पैसे, ठीक है, चलो देखो आप। तो 50 केजी के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 0.07 हो जाएगा क्या, देखो डबल है ना इससे, जस्ट सीमेंट 1 है तो ये 2 है, तो सर 50 केजी के अंदर देखें तो 50 केजी का मतलब कितने मीटर क्यूब, 0.035 मीटर क्यूब, तो डबल कर देंगे 0.070। देखो कैलकुलेशन करने की जरूरत भी नहीं है, बहुत सारी क्वेश्चन है सर हमको कैलकुलेशन, अब यार फिर क्या कैलकुलेशन करनी थी, 1440 को डिवाइड किया करना, उसमें डायरेक्ट आएगा, डायरेक्ट दिखेगा आपको ना। इसी तरीके से चलते रहेंगे यार, अपने क्या जा रहा है, देखो नेक्स्ट देखो आप, अभी देखना क्वेश्चन आएंगे ना धीरे धीरे, जैसे जैसे क्वेश्चन आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे देखना आप लेवल कैसे इंक्रीज होता जाता है। देखो अभी तो महाराष्ट्र पीएससी के पेपर चल रहे हैं, अभी बीच में थोड़ी सी देर आप आगे बढ़ोगे, अभी ईएससी के क्वेश्चन आने चालू होंगे। देखो आप ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन मटेरियल इज, अच्छा ड्यूरेबिलिटी क्या होती है बताएं जरा। तो देखो ड्यूरेबिलिटी कैसे निकालेंगे, देखो ड्यूरेबिलिटी का सीधा सा मतलब है कि अगर यदि मैंने कह दिया देखो मेरा कॉन्क्रीट तो मैं लगाऊंगा, तो कॉन्क्रीट तो ऐसी बात है कि बाहर रहेगा ही रहेगा, एक्सपोज टू वेदर तो रहना ही रहने वाला है, ठीक है। बारिश होगी अब आपकी ज्यादा ज्यादा क्या होगा, टेम्परेचर में चेंज आएगा, बारिश होगी, यही होगा, कॉन्क्रीट तो बना दिया आपने। अब ड्यूरेबिलिटी कब देखोगे, ड्यूरेबिलिटी का मतलब तो यही है ना, ड्यूरेबिलिटी का मतलब तो यही है कि लंबे टाइम तक आपको देखना है कॉन्क्रीट को। तो ड्यूरेबिलिटी का मतलब सीधा सीधा है कि सर बाहर सन के एटमॉस्फेयर में रहेगा, कभी बारिश होगी, कभी धूप, कभी छांव, जैसे हमारी जिंदगी में चलती है, कभी धूप में रहते हैं, कभी छांव में रहते हैं, ठीक है। ये धूप में रहोगे, एक बार साइट पे काम करने जाना जरा, है ना। तो देखेंगे यहाँ पर, तो देखो रेजिस्टेंस टू वेदरिंग है मेरी ड्यूरेबिलिटी को दिखाएगी,
वेदरिंग का मतलब वही है, क्लाइमेट के अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं पानी के अगेंस्ट आपको देख लेगा। अच्छा ये कंक्रीट के अंदर यदि यहां पर बात करें तो ड्यूरेबिलिटी निकालने के लिए कौन कौन से टेस्ट होते हैं कोई बताएगा? एक टेस्ट का नाम दे दो, तो होने में तो काफी सारे टेस्ट है, एक टेस्ट का नाम दे दो आप, टेस्ट का नाम एक बता दो बस बहुत है, उतना ही मान लेंगे। तो बताओ वेदरिंग की प्रॉपर्टी से देख लेंगे, आप मेरे को एक टेस्ट बता दो, ऐसे टेस्ट तो काफी सारे हैं, टेस्ट तो काफी सारे हैं, आप आपको कितने पता है ये बताओ आप जरा, एक टेस्ट बता दो कोई भी, मैं भी सिर्फ एक ही टेस्ट बताऊंगा आपको, उस एक टेस्ट से आपको लगभग सभी का अंदाजा लग जाएगा, एक टेस्ट से लगभग पता चल जाएगा आपको, कोई टेस्ट का नाम तो बता दो। अरे कोई तो बोल लो, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गया, देखो अब बोल नहीं रहे तो फिर इसका मतलब ये फिर मैं सीधा मना ही समझता हूँ, ठीक है आपको जानना नहीं कोई दिक्कत नहीं। आगे देखो, कैपेसिटी ऑफ कंक्रीट टू बियर इंपोज्ड स्ट्रेसेस सेफली इज कॉल्ड एज एब्रेशन टेस्ट। ड्यूरेबिलिटी के लिए एब्रेशन टेस्ट, हार्डनेस के लिए कौन सा करेंगे? चलो एटलीस्ट आपने ट्राई तो किया एब्रेशन टेस्ट, ड्यूरेबिलिटी के लिए बात कर रहे हैं हम, तो ड्यूरेबिलिटी के लिए कौन सा टेस्ट करेंगे यार, एब्रेशन टेस्ट थोड़ी करते हैं, एब्रेशन टेस्ट तो हम यहाँ पर हार्डनेस के लिए करते हैं। एब्रेशन क्या होता है आपका? एब्रेशन तो हार्डनेस के लिए होता है। अब यहाँ पर मैं बता देता हूँ आपको, एब्जॉर्प्शन टेस्ट करते हैं, वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट करते हैं, परमियबिलिटी टेस्ट कर सकते हैं हम यहाँ पर, कि कितना पानी अंदर जाके, हम वाटर की तो रेजिस्टेंस देखते हैं ना, वाटर के अगेंस्ट रेजिस्टेंस देख लो आप, कोई से भी टेस्ट उठा के देख लो आप, है ना, काफी सारे टेस्ट है, सॉर्प्टिविटी वगैरह काफी नाम सुने होंगे आपने यार, नाम तो बहुत है, स्टोन्स के अंदर एसिड टेस्ट बोला है इन्होंने, है स्टोन्स के अंदर, है ना, अभी स्टोन्स की बात चल रही है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, कॉन्क्रीट पढ़ा रहा हूँ मैं अभी, बीएमसी निकल चुकी है, बिल्डिंग मटेरियल निकल चुका है, मैंने ड्यूरेबिलिटी ऑफ कॉन्क्रीट पूछा तो कॉन्क्रीट के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। चलो नेक्स्ट देखो आप, श्री कह रहे हैं कि सर नेक्स्ट देखो सर, कैपेसिटी ऑफ कॉन्क्रीट टू बियर इम्पोज स्ट्रेसेस सेफली इज कॉल्ड एज, सर कॉन्क्रीट के अंदर कैपेसिटी इम्पोज स्ट्रेसेस के लिए कहलाने की क्या कहलाती है बताएं जरा, कैपेसिटी ऑफ कॉन्क्रीट टू बियर इम्पोज स्ट्रेसेस सेफली इसको बताएंगे जरा, इसका आंसर दें जरा, सर सारे ऑप्शन सेम से ही दिखते हैं मेरे को तो, हाँ सर सारे ऑप्शन सेम ही है, मैं क्या बताऊं सर इसमें, ऐसा भी तो होता होगा, कोई तो कोई कह दो, देखो अरे क्या कंक्रीट है, कंक्रीट के अंदर टेंसाइल वेंसाइल स्ट्रेंथ शीयर वगैरह तो लेता नहीं, कंप्रेसिव स्ट्रेसेस की बातें करेगा, कोई से भी स्ट्रेसेस है आपके कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की वजह से लेगा, कंक्रीट किसके अंदर लेता है, कंप्रेशन के अंदर, बस सीधी सी बात है, कंप्रेसिव स्ट्रेस के टेस्ट ले लिया आपने। अच्छा ये बताओ सर, लेबोरेटरी के अंदर स्लंप की वैल्यू 25 से लेके 50 है, तो डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी ऑफ सच कंक्रीट क्या कहलाएगी बताइए जरा, देखो स्लंप की वैल्यू आएगी, देखो स्लंप कोन टेस्ट आपने सबने किया होगा, स्लंप कोन तो ऐसा टेस्ट तो हर जगह कराते हैं, चाहे कोई से भी कॉलेज में पढ़े हो आप, ठीक है उससे कोई डिपेंड नहीं करता, चाहे डिप्लोमा में पढ़े हो चाहे डिग्री कॉलेज में पढ़े हो चाहे क्या किया है आपने, कोई मतलब नहीं है, ये टेस्ट जरूर किया होगा आपने, स्लंप टेस्ट, ठीक है स्लंप टेस्ट जरूर किया होगा, नहीं यार 10, 20, 30 उठाया कौन, ठीक है उसके बाद क्या करते हैं सर, वर्केबिलिटी देखते हैं, वर्केबिलिटी अगर कम आई तो लो वर्केबल है भाई, देखो ऊपर से गिरता है ना, देखो ये कॉन्क्रीट के अंदर ऐसा ऐसा सा कोन देखा होगा आपने, इस कोन को हम ऐसे उठाते हैं बिल्कुल प्लेस करके, कॉन्क्रीट करके बढ़िया अच्छे से इसका टेस्ट करके इसको उठाते हैं, फिर देख लेते हैं कि सर कॉन्क्रीट अगर मेरा ज्यादा फेल गया, ऊपर से देखते हैं अगर ज्यादा फेल गया, ये वैल्यू अगर 25 से 50 आई मतलब कम फेल आए, 50 से 100 चलेगी, 100 से 150 चलेगी, ठीक है ये वैल्यू चलती है ऊपर से नीचे कितना गिरा है, ठीक है उसी के बेसिस से देख लें, 25 से 50 कम गिरा है, कम गिरा है तो कौन सा कहलाएगा बताएंगे जरा, बी लो, एक कह रहा है लो, एक कह रहा है सिर्फ वेरी लो, तो देखो लो ही कहलाएगा, ठीक है ये लो कॉन्क्रीट लो वर्केबल कॉन्क्रीट जो कि डैम्स वगैरह में यूज करते हैं। पर नेक्स्ट देखो, द मटेरियल दैट एक्ट्स एज अ बाइंडिंग एजेंट इन अ मोर्टार इज नोन एज, आप जल्दी से मेरे को नाम बताओ, जल्दी से आंसर देंगे, इतना तो क्विक रिएक्शन होना चाहिए आपका, तो बिल्कुल ऐसे कि सर ठीक है ये देखा ये आंसर, ये देखा ये आंसर, ये देखा आंसर, ठीक है अब देखो क्या कह रहा है कि सर ठीक है यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछे जल्दी से आंसर दें, 10, 20, 30 आपके पास वो जो स्लेव वगैरह निकलती है स्लेव को अपन सिंडर बोल देते हैं, ठीक है राख हिंदी में अगर समझो तो राख, ठीक है धुणे में कोयला जला के लास्ट में राख निकाली उस राख को सिंडर बोलते हैं, ठीक है अब यहाँ पर कह रहा है विच विच द मटेरियल विच एक्ट एज द बाइंडिंग एजेंट, तो आपको ये बात बिल्कुल क्लियरली ध्यान रख लेनी है कि इन तीनों में से भी कोई भी बाइंडिंग एजेंट आपका नहीं है, नॉन ऑफ द अबव, आपके बाइंडिंग एजेंट सिर्फ दो होते हैं, या तो आपका सीमेंट होल्ड करके रखेगा या आपको लाइम होल्ड करके रखेगा, कॉन्क्रीट के अंदर बाइंडिंग एजेंट दो ही है, एक तो सीमेंट है या लाइम है, है ना, अब लाइम भी आपका अगर करते हैं लाइम से भी मोटर बनाएंगे और आप सीमेंट से भी, कभी देखा आपने सिंडर से मोटर बना दिया सिर्फ सिर्फ नहीं ना, लाइम और सीमेंट जरूरी है आपके पास, जब भी मोटर बनेगा तो आपको इन दोनों में से कुछ ना कुछ तो चाहिए, तो ये तो चाहिए तो यानी कि आपके पास सीमेंट चाहिए लाइम चाहिए, तो सीमेंट लाइम के अंदर आपके पास क्या कहलाएगा वहां पर,
कितना इजी था, है ना? हम ऐसे कंफ्यूज हुए जा रहे थे क्या? नहीं, सीमेंट लैम नॉन, ठीक है, डायनेमो, किंग यादव, अभय गुप्ता एंड किंग यादव। बिल्कुल, देखो सही जवाब दिया है आप लोगों ने। सिंडर के बारे में आप देखो, बहुत सी बार बच्चों को नहीं पता, नहीं पता उनको बता दिया, सीधी सी बात है, हाँ अभी नहीं रहेगा सर सिंडर क्या था। अच्छा 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 ठीक है, अब ठीक है। द हायर द कोहेसिवनेस ऑफ कॉन्क्रीट, आपसे पूछा है कि सर कॉन्क्रीट के अंदर कोहेसिवनेस ज्यादा है तो सर क्या होगा बताओ जरा। ब्लीडिंग के चांसेस बढ़ेंगे कि सेग्रीगेशन के? तो देखो सीधी सी बात है, कोहेसिवनेस है अगर कॉन्क्रीट के अंदर, कॉन्क्रीट के पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ बड़ी अच्छे तरीके से अटैच हो जाते हैं। कोहेसिव का मतलब ये तो है कि सर ठीक है, एक कॉन्क्रीट दूसरे कॉन्क्रीट के साथ बढ़िया बॉन्ड बनाएगा, कंक्रीट कंक्रीट के साथ बढ़िया बॉन्ड है, कंक्रीट के पार्टिकल एक दूसरे के साथ अच्छे बॉन्ड बनाते हैं, और एडिशन क्या है कि कंक्रीट किसी अदर के साथ अच्छा बॉन्ड बनाता। अगर कंक्रीट ने कंक्रीट के साथ अच्छा बॉन्ड बना रखा है तो वहां पर उसके सेग्रीगेशन होने के चांसेस बहुत कम है। अब क्यों कम है? सेग्रीगेशन क्या होता है? सेग्रीगेशन का मतलब है कि उसके जो एग्रीगेट्स हैं, उन एग्रीगेट्स का सीमेंट से देखो सीए सीमेंट अलग हो गया और इसके एग्रीगेट्स अलग हो गए, इसी को सेग्रीगेशन कह देते हैं। अब पूरा कंक्रीट अगर यदि अच्छा कोहेसिव है तो सीमेंट के, तो पूरा कंक्रीट अगर यदि अगर मैं कह दूं पूरे कंक्रीट के अंदर कोहेसिवनेस है, यानी कि बढ़िया अच्छे तरीके से पूरे कंक्रीट के सारे पार्टिकल एकदम अच्छे तरीके से क्या है, बॉन्ड अच्छा बना रखा है इन्होंने, ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा? आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन। अच्छा ए, दो ने डी लगाया यहां पर, तो लेसर चांसेस ऑफ ब्लीडिंग, ब्लीडिंग का कोई लेना देना नहीं है आपके पास, पूरे कंक्रीट की बात कर रहा है ना, पूरे कंक्रीट की बात कर रहा है तो पूरे कंक्रीट के अंदर बात करेगा, ब्लीडिंग के अंदर तो सिर्फ और सिर्फ वाटर के बारे में बात करेंगे हम। तो देखो पूरे कंक्रीट ने अच्छा कर रखा है तो सेग्रीगेशन होने के चांसेस ही बहुत कम हो जाते हैं आपके, ठीक है, क्लियर है? उसका उससे कोई लेना देना है नहीं। देखो बढ़ो आगे ना। अच्छा ये मैंने ज्यादा आगे आ गया क्या? हाँ यही था ना स्लम टेस्ट, हाँ यही था, हाँ यही था। देखो नेक्स्ट, देखो Which of the following can be subjected to slump test? So, slump test के क्या करते हैं? तो obvious बात ही है, ये तो बेकार से क्वेश्चन है। Slump test क्यों करते हैं आप? तो slump test से दो चीजें निकाली जा सकती है, कंसिस्टेंसी भी आप निकाल सकते हो, ये आपको याद होना चाहिए, कंसिस्टेंसी भी निकाल सकते हैं। अभी मत पूछना, ठीक है सर क्या कह रहे हो आप, कंसिस्टेंसी वर्क के भी ठीक है साथ साथ कंसिस्टेंसी दोनों की दोनों निकाली जा सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है आपकी, है ना? नेक्स्ट देखो सेग्रीगेशन क्या होता है, अभी बताया मैंने कि सर ठीक है सारे के सारे एग्रीगेट्स हैं, सारे एग्रीगेट्स हैं सब टाइप के, चाहे उसके अंदर आप कोर्स ले लो चाहे फाइन ले लो, कोर्स अलग हो जाएगा, फाइन अलग आ जाएगा, आपका सीमेंट अलग आ जाएगा, तीनों अलग अलग आ जाएंगे, यानी कि सारे के सारे एग्रीगेट्स आपके सेपरेट आउटलो हो गए मोटर के साथ। यहाँ पर बात करूं ट्रांसपोर्टेशन के अंदर, तो देखो फाइन वाला अलग चला गया, सीमेंट वाला, फाइन सीमेंट अलग चला गया, और यहाँ पर आपके पास एग्रीगेट सारे के सारे अलग हो गए, जितने भी एग्रीगेट्स थे उसमें फाइन थे कोर्स थे आपके पास, और यहाँ पर मोटर के अंदर आपके पास सब प्रकार के एग्रीगेट है, सबके सब अलग चल गए, ट्रांसपोर्टेशन के टाइम हो जाता है आपके पास। जनरली ट्रांसपोर्टेशन के टाइम जैसे कि यार ठीक है आप भर के लेके जा रहे हो आप बड़े अच्छे तरीके से, ठीक है, अब वो क्या होगा कि बहुत ज्यादा उसके अंदर क्या नहीं, देखो हाइट से प्लेस करें, देखो क्या होता है कि सेग्रीगेशन क्यों हो जाता है कि देखो जब भी कहते हैं ना किसी बहुत ज्यादा हाइट से, हमने यहाँ पर प्लेस कर रखा है, देखो बहुत ज्यादा हाइट से छोड़ दिया कॉन्क्रीट को, तो कॉन्क्रीट के अंदर भी तो अलग अलग चीजें, अलग अलग चीजों की अलग अलग डेंसिटी है, तो वो क्या करते हैं जैसे कि आपने देखा नहीं क्या कि बहुत ज्यादा चीजों को वाइब्रेट कर दोगे आप तो क्या होगा, चीजें अलग अलग होने लग जाती है अपनी अपनी वाइब्रेशन की वजह से, चीजें अलग अलग होने लग जाती है, तो आप ज्यादा हाइट से अगर कंक्रीट को पटक दोगे तब भी उसके अंदर सारे मटेरियल इधर उधर हो जाएंगे, है ना, तो आपका ये अलग दिखेगा वो अलग दिखेगा, यानी कि एग्रीगेट्स अलग दिखेंगे, फाइन एग्रीगेट्स अलग दिखेंगे, कोर्स अलग दिखेंगे, सीमेंट अलग दिखेगा, है ना, तो इस तरीके से फॉर्मेशन आपके पास दिखने लग जाता है। अभी आप बताओ सर कंस्ट्रक्शन टर्मिनोलॉजी के अंदर एसआरसी किसको बोलते हैं? एसआरसी यार ये तो बता रखा है, एसआरसी तो बता रखा है, कोई सैंड मत बोल देना, सल्फेट रेजिस्टेंस कॉन्क्रीट को बोलते हैं। सल्फेट रेजिस्टेंट के लिए क्या करेंगे हम? तो देखो सल्फेट रेजिस्टेंस का एक ही फॉर्म बना है आपके पास, जब भी बोले कि सर ठीक है सल्फेट रेजिस्टेंस बनाना है, अरे कोई दिक्कत नहीं, सल्फेट रेजिस्टेंस बना देंगे, कौन सी बहुत बड़ी बात है, सल्फेट रेजिस्टेंस के लिए वही आपको क्या करना पड़ेगा, C3A का परसेंटेज आपको लोअर रखना है, सर कितना रखना है 5% से ज्यादा मत जाने दो, क्योंकि क्या करते हैं C3A सबसे पहले बनता है, अब जो पहले बनेगा उसके अंदर केमिकल रिएक्शन सबसे पहले होगी, तो सबसे पहले यही बन रहा है, सबसे ज्यादा हाइड्रेशन ये कर रहा है, तो ये लो ये पहले आया तो उसको पहले जिम्मेदार बता दिया, कोई और पहले आता तो उसको जिम्मेदार ठहरा देते हम, कैसे लोग हैं हम, जो आगे खड़ा है बस उसी का दोष है, पीछे बाकी भीड़ तो ऐसी आती है। देखो आप प्रेजेंस ऑफ एयर बबल्स इन कंक्रीट, अब इससे क्या होने वाला है, जल्दी से देखें आंसर देखेंगे हम आज, है ना, काफी ज्यादा क्वेश्चन करने वाले हैं। गुलशन ठाकुर ए, बिल्कुल बिल्कुल, देखो सब लोगों ने ये तो करेक्ट जवाब दिए हैं, बस एक क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे निकल गया है। देखो प्रेजेंस ऑफ एयर बबल इन कॉन्क्रीट क्या करेंगे, एयर बबल के अंदर कॉन्क्रीट क्या कर देंगे आपके, बताएं जरा, एयर बबल आ गए कॉन्क्रीट में, कौन सी बहुत बड़ी बात हो गई, आज कौन सा पहली बार आए हैं, एरेटेड कॉन्क्रीट बनाते तो आते नहीं है क्या, बिल्कुल आते हैं सर, हम ही तो लेके आते हैं इनको, बताएं जरा। देखो
एयर विंड्स आ गए, यानी कि देखो एयर बबल्स आ गए, कुल मिला के यहाँ पर स्ट्रेंथ आगे घट रही, बट डेंसिटी कम हो गई ना कंक्रीट की, कंक्रीट की डेंसिटी को कम कर रहे हो, कंक्रीट की डेंसिटी को कम कर रहे हो या फिर कह लो कंक्रीट को परमेबल बना रहे हो, तो इसका मतलब क्या है कंक्रीट को वर्केबल ज्यादा बना रहे हो। एयर बबल डालने का मतलब क्या है किसी भी चीज के अंदर, आप कंक्रीट को क्या बना रहे हो, वर्केबल ज्यादा बना रहे हो, वर्केबिलिटी बढ़ेगी एज वेल एज स्ट्रेंथ घटेगी, स्ट्रेंथ बढ़ाओगे तो वर्केबिलिटी घटेगी, दोनों एक दूसरे के क्या है कांटे की लड़ाई रखी, एक दूसरे के 36 का आंकड़ा बढ़ रहा है दोनों के, ठीक है, जैसा कि आपका बिड़ रहा होगा 36 का, किसके साथ, रिश्तेदारों के साथ, अभी आजकल तो भिड़ रहा होगा बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से, है ना, कि बोले यार कहाँ आ गई, फिर पूछते हो बेटा क्या कर रहे हो, क्यों सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द स्लंप टेस्ट इंडिकेटर, सर क्या क्या होते हैं, देखो तो मैंने बताया आपको ये स्लंप, आपके पास स्लंप कौन होता है, 10, 20, 30 मीटर हाइट होती है, 10 का अपर डायमीटर है, 20 का लोअर डायमीटर है, 30 मीटर की हाइट है, तो जब हम इसको उठाएंगे कंक्रीट को बढ़िया डेंस करके पैक कर दिए इसको अच्छे तरीके से, इसको उठाएंगे तो उठाने के बाद क्या होता है कि कंक्रीट या तो मेरे को बढ़िया अच्छे तरीके से इवनली गिरेगा, ऐसे दोनों साइड से बढ़िया आराम से गिरेगा, ऐसा ना इसको ऊपर तक भर रखा है ऐसे ऐसे फैल जाएगा, इवनली गिरेगा, है ना, या हो सकता है कि सर एक साइड फैल हो जाए ज्यादा, हो सकता है इसलिए पूरा ही बिगड़ जाए, ठीक है, तो इसको बोलता हूँ ट्रू स्लंप, इसको बोलता हूँ शेयर स्लंप, इसको बोलता हूँ मैं कॉलेप्स स्लंप, ये मैंने थोड़ा सा ऐसा बना दिया लेकिन ठीक है समझ गया ना आप, एक साइड ज्यादा बिगड़ गया, ठीक है इसी को बोलता हूँ। चलो बढ़ते हैं आगे की तरफ, अब आगे बढ़ेंगे, देखो यही है, देखो कुछ नहीं है, अरे बीएमसी है, 30 नंबर फॉरवर्ड के दे जाएगी, 28 नंबर तो 28 तो मान के चल लो, 20 28 तो मान के चल लो आप, अगर यदि इसके अंदर बात कर रहा हूँ मैं यूपीपीएससी के अंदर, तो फ्री के नंबर है, किसी भी सब्जेक्ट के अंदर 14-15% तक का वेटेज रख रही है ये आजकल, तो कुछ नहीं है, और इस पूरी को पूरी बीएमसी में अरे बस लगाए ये क्वेश्चन लगाए इसके बाद फ्री हो जाएंगे हम, इसके बाद कुछ नहीं करना सर, बस एक बार कान में ऐसे कान में लगाए ईयरफोन कर लो मौन धारण, बस बढ़िया आराम से चाय पीते रहो समोसे खाते रहो साथ के साथ, पर ठीक है टाइप करते रहना साथ के साथ, ऐसे ये भूलना नहीं है, दिमाग में जानी चाहिए चीजें, चाहे बीच में कुछ भी करो, चाहे सो रहे हो आप आराम से लेटे लेटे देख रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, सो मच जाना रहे, ठीक है। द प्राइमरी पर्पज ऑफ क्यूरिंग इज टू, क्यूरिंग का काम क्या है बताओ जरा जल्दी से, इन दोनों का जवाब देंगे तब हमारा बिटर टेस्ट होता है। अच्छा बिटर टेस्ट तो होता ही होता है यार, उसमें कौन सी बहुत बड़ी बात है, अब वो आएंगे तो, अब देखो यार ये तो सबके साथ ही है, इसलिए तो मैं क्या कहता हूँ आजकल, पता है जहां आजकल क्या है कि देखो आपने देखा होगा कि लोगों के अंदर एक अलग ट्रेंड चला है, बोले क्या लोग फंक्शन अटेंड करना छोड़ रहे हैं बेरोजगार, वो क्या कह रहे हैं कि बोले चलो ठीक है तो क्या करेंगे जाके वही चार सवाल पूछते हैं, ठीक वो जितना खाना खाती नहीं है शादी में जाके उससे ज्यादा तो वो वसूल लेते हैं हमसे कि सर इतना तो खाया नहीं था, जितना तो हजम ही नहीं हुआ था, इतना तो वेट मेरा बढ़ा नहीं था जिससे आपने चार सवालों से घटा और दिया वेट मेरा, है ना, तो ऐसा हो जाता है बहुत सी बार है, ठीक है तो बच के रहना उनसे थोड़ा सा, ठीक है अपनी मस्ती मस्त रहा करो कोई दिक्कत नहीं, खुद से जीत लिए तो सबसे जीत लिए। देखो नेक्स्ट द प्राइमरी पर्पज ऑफ क्यूरिंग इज टू क्या होता है, देखो सीधी सी बात है क्यूरिंग क्यों करेंगे, देखो हीट ऑफ हाइड्रेशन बहुत ज्यादा निकल रही है आपकी, हीट ऑफ हाइड्रेशन बहुत ज्यादा निकल रही है तो आपके पास टेम्परेचर बढ़ जाएगा कंक्रीट का, अब कंक्रीट का टेम्परेचर बढ़ेगा तो कंक्रीट का टेम्परेचर को आप कहोगे ना कि ठंडा पड़ जा भाई ठंडा पड़ जा, तू अगर तू क्यों फोकट करना हो रहा है हमारे ऊपर, तो आप उसको क्या कर देंगे टेम्परेचर को कम करने के लिए आप क्या करते हो उसके ऊपर क्यूरिंग अप्लाई कर देते हो। दूसरी बात कि आपका जो सन वगैरह है उससे आपकी कंक्रीट को जितना अमाउंट का वाटर कंटेंट चाहिए ना कंक्रीट को जितना लगेगा पूरा प्रॉपर तरीके से स्ट्रेंथ गेन करने के लिए, उसके अलावा क्या है हीट लॉस होने लग जाता है कंक्रीट का, जैसे मैंने प्लेस किया पानी क्या करेगा आपके जो आपके पास सूरज मामा है वो भी उठा के लेके जाने लग जाते हैं ना थोड़े बहुत पानी, तो कह देते हैं कि आप भी रुक जाओ, ठीक है तो दोनों के लिए आपको हमारे इंपॉर्टेंट होता है सॉरी, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे सर द प्रॉपर्टी ऑफ एग्रीगेट विच कैन बी मेजर्ड बाय द इंपैक्ट वैल्यू टेस्ट इज नॉन एज, आपके पास क्या है बी ऑप्शन दिया होगा आई होप सबने ना, इसके बाद सिलेक्शन और फिर इंतकाम, अरे बिल्कुल इंतकाम में तो मैं कह रहा आप जाना जाके पूछना आपका लड़का क्या कर रहा है, जिन्होंने पूछा उनसे पूछना भाई, जो कोई भला आदमी उससे मत पूछने लग जाना, ठीक है ऐसे बहुत दिक्कत है फिर तो। नेक्स्ट देखो आपकी द प्रॉपर्टी ऑफ एग्रीगेट विच कैन बी मेजर्ड बाय द इंपैक्ट वैल्यू टेस्ट, इंपैक्ट वैल्यू टेस्ट आपका किसके अंदर निकल के आता है, देखो इंपैक्ट वैल्यू टेस्ट का मतलब सीधा सीधा इंपैक्ट टेस्ट ही आपका, इंपैक्ट टेस्ट के पीछे एक कहानी सुनाई थी मैंने, जिससे मेरे दोस्त का एक हाथ टूटा हुआ था, उसने नीचे रख दिया हाथ, वो हैमर आके सीधा हाथ पे पड़ा, हाथ उसका टूट गया, ठीक है उसको थोड़ी सी इच्छा ज्यादा हो रही थी, खैर कोई दिक्कत नहीं, वो इंपैक्ट वैल्यू टेस्ट का ही उदाहरण है, वो उससे टफनेस मेजर कर रहा था वो, फिर उसके हाथ की टफनेस जो है चली गई, ठीक है ये मैंने बता दी थी पूरी की पूरी टफनेस वाली कहानी। नेक्स्ट देखो आप कि सर एयर एंटरिंग, देखो दिख नहीं रहा होगा ये वाला दिख रहा होगा, ठीक है ये क्या कभी कभी कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसा आ जाता है, ठीक है बट ठीक है मैं छोड़ना नहीं चाह रहा था। एयर एंटरिंग एजेंट इज कॉमनली मिक्स्ड इन कंक्रीट टू कंट्रोल, सर एयर एंटरिंग एजेंट हम कॉमनली क्यों यहाँ पर हम यूज करते हैं कंक्रीट टू कंट्रोल, पहला ऑप्शन है इवापोरेशन, दूसरा एक्सपेंशन, तीसरा वाटर सीमेंट रेशियो, चौथा है कॉन्ट्रैक्शन।
सर हम एयर एंटरिंग एजेंट को कॉमनली क्यों मिलाते हैं कंक्रीट के अंदर? उसके लिए चार चार आपको पास दे रखे, चारों के बारे में पढ़ना। पहला बोल रहा है एवोपोरेशन, दूसरा दे रखा है एक्सपेंशन, तीसरा कह रहा है वाटर सीमेंट रेशियो, चौथा कह रहा है कॉन्ट्रेक्शन। जल्दी से मेरे को इसका आंसर देंगे। किंग यारो बी बी एक्सपेंशन बोला है इन्होंने, ठीक है बी एक्सपेंशन। देखो जिनको नहीं पता है तो यार देख लो ना, सीधी सी बात है। देखो क्या होता है, आपने ये देखा कुछ कुछ पता हो नहीं पता हो, इतना पता है कि बर्फ देखी है आपने, आइस, जब आइस पिघलती है तो क्या होता है उसका क्या बढ़ जाता है? अरे यार डेंसिटी में चेंज आता नहीं आता। देखो आइस की डेंसिटी कम होती है, ठीक है, वाटर की डेंसिटी ज्यादा होती है, इसलिए तो बर्फ क्या करता है पानी के ऊपर फ्लोट करता है आपका, ठीक है, ये तो आपको पता होगा, इतना इतनी बात तो पता है कि बर्फ पानी के ऊपर फ्लोट करता है, तैरता है, तो इसकी डेंसिटी कम है, तो वॉल्यूमेट्रिक चेंज आएगा जब जब क्या करेंगे बर्फ पिघलेगी तो वॉल्यूमेट्रिक चेंज आपका आना बिल्कुल तय है, ठीक है, तो वॉल्यूमेट्रिक चेंज आएगा। तो सेम तरीके से फ्रीजिंग थोइंग जब मेरी होने लगेगी तो उस टाइम पे क्या होने लगेगा कि वॉल्यूम आपके पास जैसे जैसे फ्रीजिंग और थोइंग हुई, ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा कि सर एक्सपेंशन हो जाता है कंक्रीट के अंदर। तो कंक्रीट के अंदर इस एक्सपेंशन को बचाने के लिए हम क्या कर लेते हैं कि सर एक्सपेंशन होना उसका तो बबल सी फूटे बस, सिर्फ कंक्रीट नहीं हटे, कंक्रीट की श्रिंकेज वगैरह नहीं हो, इसीलिए हम एयर एंटरिंग एजेंट के अंदर बबल्स को यहां पर डाल देते हैं, ठीक है, ओके गॉट इट। फ्रीजिंग थोइंग से बचने के लिए, फ्रीजिंग थोइंग का ही मतलब है यहाँ पर, सीधा सीधा मतलब यहाँ पर एक्सपेंशन से फ्रीजिंग और थोइंग से ले लेंगे, ठीक है, ओके, तो फ्रीजिंग से ले लो आप, तो थोइंग ना भी लो तो भी ठीक है, फ्रीजिंग से ले लो कि सर फ्रीज होने लग जाएगी हमारी, तो उसके अंदर वॉल्यूमेट्रिक चेंज आएगा, उससे आपने निकाल लिया, ठीक है, तो एक्सपेंशन मेरा इस वजह से करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है, गॉट इट, गेटिंग माई पॉइंट, गेटिंग और नॉट। नेक्स्ट देखो आप कि सर चूज, अभी यार देखो ये बहुत फर्जी क्वेश्चन है, इसको कर देते हैं। सर रिटार्डर कौन सा है? जिप्सम है, आपको पता है, ये सेटिंग टाइम को क्या करता है इंक्रीज कर देता है। एक्सेलेरेटर कौन सा है आपका? CaCl2। ये देखो ये भी फर्जी क्वेश्चन है, कितनी बार कर लिया जाने, कितनी बार कर लिया। पोजोलोना कौन सी है? फ्लाइएश है। और आपके पास वर्केबिलिटी कौन देते हैं? सुपर प्लास्टिसाइजर। ये सुपर प्लास्टिसाइजर जो आपको वर्केबिलिटी देते हैं, ये आपके पास क्या करते हैं कि सर ये सेम आपके पास वाटर कंटेंट में, सेम वाटर कंटेंट में आपको स्ट्रेंथ ज्यादा प्रोवाइड करा देते हैं, और या कुल मिला के कह दूं तो सर वर्केबिलिटी बढ़ा देते हैं और वाटर कंटेंट को, देखो वर्केबिलिटी भी बढ़ा देंगे, स्ट्रेंथ भी ये बढ़ा देते हैं, और साथ के साथ वाटर कंटेंट को क्या कर देते हैं? कम कर देते हैं। इसीलिए इनको एडमिक्सचर्स हैं ये तीन, ये सारे के सारे, ये डायरेक्ट आपको ऐसे ही याद करने पड़ेंगे चारों के चारों। तो जिनको नहीं पता उनको बता दिए, जिनको पता बहुत बढ़िया बात है, ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपसे कह रहा है कि सर ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट्स इन अ कंक्रीट मिक्स इज मेनली एसेंशियल टू अचीव। सर ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट इन अ कंक्रीट मिक्स इज मेनली एसेंशियल टू अचीव। आप क्यों करते हैं सर ग्रेडिंग? क्यों करते हैं? देखो ग्रेडिंग का मतलब यही है, कुल मिला के देखो अगर आपने अच्छे ग्रेड की, अच्छे ग्रेड के एग्रीगेट्स अगर आपने यूज किए हैं, अच्छे ग्रेड के एग्रीगेट्स का मतलब है कि सर ठीक है आपके पास एग्रीगेट्स ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर कम से कम वॉइड्स हो। देखो एग्रीगेट तो ऐसा ही लोगे ना भाई, आप ऐसे तो सीमेंट कंक्रीट बनाओगे तो डेंस हो, ऐसी तो कंक्रीट बनाओगे तो डेंस ज्यादा हो। अब डेंसिटी बढ़ाने के चक्कर में क्या कर लेता हूँ यहाँ पर, डेंसिटी बढ़ाने के चक्कर में हमको क्या करना पड़ता है? वॉइड्स का रिडक्शन करना पड़ता है। देखो यहाँ पर सीधा डेंसिटी में मत जाना, डेंसिटी से पहले रीजन आपके पास वॉइड्स का रिडक्शन है, ठीक है, तो ग्रेडिंग के अंदर हम सिर्फ यहाँ पर रिडक्शन ऑफ वॉइड्स आंसर हो जाएगा, ठीक है। डेंसिटी को तो बढ़ा रहे हैं, लेकिन डेंसिटी बढ़ाने से पहले क्या करते हैं कि चलो ठीक है सर, एक तो मैंने सारे राउंडेड ले लिए, मान लो सारे के सारे ये राउंडेड ले लिए, है ना, एक मैंने ले लिए सर डिफरेंट डिफरेंट टाइप की ग्रेड, ये तो मैंने बिल्कुल यूनिफॉर्मली ग्रेड के ले लिए थे, एक हमने अदर अदर ग्रेड के लिए, तो अदर ग्रेड के होंगे तो क्या करेंगे कि सर कोई छोटा है कोई बड़ा है, कोई छोटा है कोई बड़ा है, इस तरीके से वो अच्छे तरीके से पैक हो जाएंगे अच्छे तरीके से। तो यहाँ पर सबसे पहला रीजन आपके आता है वॉइस का रिडक्शन कर देना, ये वॉइस रिडक्शन कर देते हैं अगर यदि मैंने अच्छे ग्रेड की अगर यदि यहाँ पर लिए ना, अच्छा ग्रेड मतलब है कि सर उसके अंदर वॉइस ज्यादा ना हो, और वॉइस ज्यादा नहीं होंगे तो मेरे पास डेंस स्ट्रक्चर तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ठीक है, तो डेंसिटी तो हम ऑटोमेटिकली ही अचीव कर जाते हैं, किस वजह से यहाँ पर जैसे हम वॉइस को हटा देते हैं। इससे सीधा मतलब आप देखो सोइल मैकेनिक्स भी पढ़ी होगी आपने, तो उसके अंदर भी यही आता है कि सर जब ग्रेड, जब हम अच्छी ग्रेड देखते हैं ना, गुड ग्रेड की बात करते हैं, अच्छी ग्रेड वो होती है जिसके अंदर आपके पास सभी टाइप के पार्टिकल्स आपके पास मौजूद हो बहुत अच्छे तरीके से, और वो क्या करें बिल्कुल एक दूसरे के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए, और इस तरीके से मिक्स हो जाए कि ये सबसे लेस परमीएबल स्ट्रक्चर बनाए, ठीक है। उसके लिए आपके पास क्या हो जाएगा कि लेस परमीएबल स्ट्रक्चर बनाए मतलब लेस वॉइड्स आपको दें, और लेस वॉइड्स देंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपको हायर डेंसिटी अचीव हो जाएगी, ऑटोमेटिकली आपके पास अचीव हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, आपको कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सिर्फ आप क्या करो, नंबर ऑफ वॉइड्स घटा दो, सेम कॉन्क्रीट है वॉइड्स घटा देंगे, उस सेम कॉन्क्रीट है आपके पास, ठीक है, कुछ और तो किया नहीं हमने, ठीक है, हमने क्या किया उसके अंदर बस वॉइड्स घटा दिए। वॉइड्स घटाने का मतलब है कि आपने अच्छे टाइप के ग्रेड्स यूज कर दिए, ठीक है, बस इतनी सी बात है ऑब्वियसली, ठीक है। तो हायर डेंसिटी से पहले आप यहां पर चले जाना किसके ऊपर, ग्रेड्स के ऊपर। इसको अच्छा इसका जवाब नहीं दिया ना हमने सर। प्रोनेस टू सेग्रीगेशन ऑफ फ्रेश कॉन्क्रीट इज
बैटर टेस्टेड बाय, आपसे पूछेगा सर ठीक है कोई दिक्कत नहीं, पूछ लेगा कोई दिक्कत नहीं। सर प्रॉमनेस टू सेग्रीगेशन, सर सेग्रीगेशन को अगर मेरे को चेक करना है तो मैं कौन सा फ्रेश कॉन्क्रीट की अगर मेरे को सेग्रीगेशन को चेक करना है तो मैं कौन सा टेस्ट यूज करूंगा, क्यों यूज करता हूँ ये भी बता देना मेरे को। सर इस टेस्ट से ही क्यों आया रिजल्ट, कैसा आएगा रिजल्ट जरा जल्दी से बताओ। अच्छा डी बोल दिया इन्होंने कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट। अच्छा मैं पूछूंगा भी सही कि सर कौन सा टेस्ट आपने क्यों लगाया है। देखो मैं पूछ भी सकता हूँ आपसे, ऐसी बात नहीं है। देखो पहला क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं बहुत ढंग से, फ्लो टेस्ट किंग यादव क्यों, फ्लो टेस्ट का नाम क्यों लिया आपने, यहाँ पर फ्लो टेस्ट आपको क्यों दिखा के सर फ्लो टेस्ट आपके पास आंसर है। ये फ्लो टेस्ट के बारे में बोल रहे कितने लोग, पहले तो ये बताओ कि सर फ्लो टेस्ट से सहमत कितने लोग, एग्री कितने लोग कर रहे हैं यहाँ पर, फ्लो टेस्ट से कितने लोग एग्री कर रहे हैं। तो देखो मैं आपको बता देता हूँ मैं आपको फ्लो टेस्ट के बारे में। तो देखो आप किसे ठीक है, फ्लो टेस्ट के अंदर क्या करते हैं, वहाँ पर एक फ्लो टेबल होती है, ठीक है एक टेबल होती है, मान के चलो आपको सिर्फ इजीली समझा रहा हूँ जिससे बहुत इजीली आपको समझ में आ रहा है, एक टेबल होती है आपको। इस टेबल के ऊपर हम क्या करते हैं, ये आपके पास डायमेंशन चेंज आती है, ठीक है इसकी डायमेंशन चेंज आती है, इसकी डायमेंशन 70, 25 और शायद एक डायमेंशन में को ध्यान नहीं आ रही है ना, तो इसकी डायमेंशन चेंज आती है। आपके पास स्लंप जैसा ही कौन होता है, एक स्लंप कौन होता है आपके पास सेम, ठीक है इसकी डायमेंशन अलग होती है, डायमेंशन आप देख लेना एक बार निकाल लेना आप, ठीक है इस डायमेंशन का ध्यान नहीं है मेरे को, 17 और 25 का ध्यान है, बाकी तीसरी डायमेंशन का मैं भूल चुका हूँ ऑलरेडी, ठीक है। तो यहाँ पर देखें तो यहाँ पर देखें तो इस स्लंप के अंदर हम इसको हटाते हैं और उसके बाद इस टेबल को हम क्या कराते हैं, ऊपर से नीचे गिराते हैं कितनी बार, 15 टाइम्स गिराते हैं, 12.5 सेंटीमीटर की हाइट से, ठीक है 15 टाइम्स गिराते हैं, गिराने का टाइम क्या रखते हैं कि 2-5 सेकंड के बीच में कभी भी हम इसको गिरा देते हैं, ठीक है ऐसे गिरा के ऐसे उठाया फिर गिराया फिर उठाया फिर गिराया फिर उठाया फिर गिराया, ठीक है। तो इससे पता क्या चलता है कि सर ये जो कॉन्क्रीट है कितना ज्यादा स्प्रेड हो जाएगा। अब देखो इसके अंदर मैंने प्रोवाइड क्या किया, वाइब्रेशन प्रोवाइड किया क्या, इस तरीके से अगर किसी भी चीज को उठा के पटकोगे, ऐसे उठा के पटकोगे आपने देखा होगा ना उठा के पटका, तो ट्रांसपोर्टेशन में क्यों जाता था मेरा, जब मैं ट्रांसपोर्टेशन करता था तो वहां पर सेग्रीगेशन की बात कहां आ जाती थी। सर ट्रांसपोर्टेशन करते था तो सेग्रीगेशन क्यों होता, क्योंकि बार बार आपके उसके अंदर वाइब्रेशन लग रहे थे। ये जो वाइब्रेशन है स्लो टेबल टेस्ट के अंदर लगते हैं, उससे हम यहाँ पर चेक करते हैं कि सर कितना स्प्रेड हुआ। पहले मान लो मेरा इतना डायमीटर था, अब इतने डायमीटर से इतना स्प्रेड हो गया आपका, ठीक है। तो इससे हम यहाँ पर निकाल लेते हैं कि सर सेग्रीगेशन होगा कि नहीं होगा, क्लियर है बात, तो क्लियर है बात, ठीक है। तो फ्लो टेबल टेस्ट ही इसीलिए मैंने यहाँ पर करेक्ट आंसर दिया था, इसका रिजल्ट में आपको पता होना चाहिए सर क्यों किया था हमने, अलग अलग हो जाते हैं फ्लो करने के लिए बिल्कुल। देखो किंग ने जवाब दिया, किंग यादव ने जवाब दिया, देखो यादव जी ने जवाब दे दिया हमको। देखो नेक्स्ट देखो, एज द फाइननेस मॉड्यूलस ऑफ एग्रीगेट इंक्रीजेस, तो देखो फाइननेस मॉड्यूलस क्या होता है आपका, कि कितना देखो आपकी जो सीव चल रही है सीव के ऊपर कितना पार्टिकल रिटेन किया है, कितना पार्टिकल रिटेन किया है। अब जितना ज्यादा आपके पास एग्रीगेट का साइज इंक्रीज होगा उतना ज्यादा एक छलनी में से जितने ज्यादा पार्टिकल्स कितने पार्टिकल्स गए नीचे, ठीक है जितना ज्यादा मैं बड़ा कंक्रीट डालूंगा उतने ज्यादा रिटेन रहेंगे, तो उतने ज्यादा रिटेन रहेंगे उनका तो क्यूमुलेटिव वेट निकालता हूं मैं कि जितने आपने रिटेन रहे, तो उससे मतलब क्या है कि सर पार्टिकल साइज बढ़ेगा, तो वैसे मेरा छन्नी से मतलब मैं सीव से नीचे आने वाले पार्टिकल्स घटेंगे, यानी कि सीव के ऊपर वाले पार्टिकल्स क्या करेंगे बढ़ेंगे, और सीव के ऊपर वाले पार्टिकल्स बढ़ेंगे तो मेरे पास क्या करेगा फाइननेस मॉड्यूलस भी बढ़ जाएगा, ठीक है मैंने बता दिया आपको आंसर। नेक्स्ट देखो आप सर कॉन्क्रीट मिक्सचर, अरे यार ये दिख नहीं रहा क्वेश्चन, अच्छा ये कह रहा है सर कॉन्क्रीट मिक्सचर को कैसे स्पेसिफाइड करना है, ये लिख रहा है सर वॉल्यूम ऑफ, यार ये दिख रहा है नहीं दिख रहा है पहले बताओ आप मेरे को, ये दिख पाएगा क्या आपको इस क्वेश्चन का वॉल्यूम ऑफ मिक्स्ड कॉन्क्रीट डिस्चार्ज आफ्टर मिक्सिंग ऑफ ईच, जल्दी से देखो ईच बैच चौथा दे रखा है आपको, मिक्सर ड्रम स्पीड है, कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं बताएं जरा जल्दी से आंसर दे। देखो मैंने सारे के सारे ऑप्शंस लिख दिए हमने, ठीक है। तो देखो कॉन्क्रीट मिक्सचर को कैसे स्पेसिफाइड करेंगे हम, यहाँ पर देखो मैंने लिख भी दिया है आपको आपके सामने, ठीक हो तो यहाँ पर देखो कॉन्क्रीट मिक्सचर को स्पेसिफाइड करने के तरीके आपके पास डिफरेंट चलते हैं। देखो एक तो आपके पास सिंपल तरीका है, आप निकाल सकते हो सर आपके पास, जैसे कि एक तो रिवोल्यूशन के बेसिस पे निकाल देते हैं, सॉरी टिल्टिंग के बेसिस पे निकाल देते, टिल्टिंग है नॉन टिल्टिंग है, ठीक है। लेकिन इसको कैसे निकालेंगे बताएं जरा, सभी बेंच में क्वांटिटी फिक्स होती है, बी दे रहे हैं बी हॉर्स पावर, कॉन्क्रीट मिक्सर को कैसे स्पेसिफाइड करते हैं, सर सभी बेंच में क्वांटिटी फिक्स होती है। अरे मैंने पूछा सर क्लासिफाई कैसे करते हैं, बी तो कतई नहीं है, हॉर्स पावर और प्राइम मूवर में तो कतई नहीं निकालते,
बी ऑप्शन तो किंग और डायनो दोनों के बिल्कुल ही गलत है। अच्छा पिछले वाले के दिए थे शायद, मैंने देखा नहीं है, ये तो बिल्कुल ही गलत है आपका, है ना, होश पावर तो बिल्कुल ही गलत है, ठीक है। और बाकी जिसने ए लगाया उसका भी सही है, बाकी जिसने सी लगाया उसका भी सही है, डी लगाया उसका भी सही है, ठीक है। ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, देखो दो तीन टाइप से होते हैं, एक तो टिल्टिंग नॉन टिल्टिंग वाला, तो चलो वो तो मटेरियल अलग हो गया, ठीक है, वो तो मटेरियल अलग हो गया, ठीक है। इसके अलावा डिपेंड करता है आपके पास साइट पर जाकर देखेंगे तो किस कंस्ट्रक्टर को कैसा चाहिए और यहाँ पर परचेजर को कैसा चाहिए, ठीक है, मतलब परचेजर को यूजर को कैसा कैसा चाहिए उस बेसिस पे डिजाइन होता है। तीनों बेसिस पे डिजाइन होता है, तीनों टाइप से आप क्लासीफाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अंदर ऑप्शन नहीं दे रखा था, ऑप्शन में तीनों ही ऑप्शन करेक्ट है आपके, ठीक है, बड़ो आगे हो, कोई बेसबाजी नहीं, कोई बात नहीं, तीनों के तीनों ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है वहां पर। नेक्स्ट देखो आप, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर द ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट आपके किसके प्रोपोर्शनल चलती है। ये क्वेश्चन तो बिल्कुल विजिबल है यार, ये विजिबल है, तीनों करेक्ट है, आपकी कोई दिक्कत नहीं है उसमें, तीनों करेक्ट है, तीनों तरीके से स्पेसिफाई कर रखे हैं, आइए स्कोर उठा के देख लेना आप, चाहे तीनों तरीके से स्पेसिफाइड है आपके पास, कोई दिक्कत नहीं है इसको। देखो नेक्स्ट, देखो नेक्स्ट कह रहा है सर द ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट इज प्रोपोर्शनल टू, किसके प्रोपोर्शनल चलता है सर ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट आगे किसके प्रोपोर्शनल चलती है। तो ड्यूरेबिलिटी का मतलब मैंने साफ साफ बोला था आपसे, क्या बोला था बताएं जरा, देखो सैंड कंटेंट की चलेगी, सीमेंट एग्रीगेट की चलेगी, वाटर सीमेंट की चलेगी, एग्रीगेट वाटर की चलेगी। देखो तो मैंने आपको ऑब्वियसली बताया, देखो ये तो सबको पता है सर, वाटर सीमेंट के तो आपकी स्ट्रेंथ चलती है, तो ये तो आपकी ड्यूरेबिलिटी से कोई लेना देना नहीं है, सैंड कंटेंट से भी कोई लेना देना नहीं है, सीमेंट एग्रीगेट से भी कोई लेना देना नहीं है, मेरे को मतलब है सिर्फ और सिर्फ किससे, एग्रीगेट वाटर रेशियो से। क्या सही कह रहा हूँ मैं, तो कह रहे हैं सर सीमेंट सैंड, ठीक है, अब दे दो, अब दो जवाब बताओ जरा, क्या सही कहा मैंने, अरे ड्यूरेबिलिटी कैसे डिपेंड करेगी यार, बताएं जरा, बताओ बताओ बताओ, सही कहा था क्या मैंने, मैं तो कुछ भी कह दूंगा तो चल लोगे मान लोगे। चलो देखो अब देखो रीजन भी देखो आप क्या है कैसे है, कैसा है, देखो लगाना चालू करते हैं तो कैसे लगाते हैं, देखो देखो हमको क्या देखना है, ड्यूरेबिलिटी देखनी है। ड्यूरेबिलिटी का मतलब क्या होता है सर, वेदरिंग रेजिस्टेंस आपका कितना जा रहा है, वेदरिंग रेजिस्टेंस कितना जा रहा है। बी ऑप्शन तो मेरा करेक्ट है, तो सबको समझ आता होगा सर, ये तो स्ट्रेंथ और वर्केबिलिटी पे डिपेंड करता है कि सर वर्केबिलिटी कितनी होगी, ये आपको वाटर सीमेंट रेशियो पे डिपेंड करेगा, सैंड कंटेंट पे भी डिपेंड नहीं करेगा। एक आता है आपका एग्रीगेट वाटर, एक आता है सीमेंट वाटर। अब देखो मैंने क्या बोला सर, ड्यूरेबिलिटी क्या होती है, ड्यूरेबिलिटी आपके पास होती है, आपके पास देखो ड्यूरेबिलिटी क्या होती है आपकी, ड्यूरेबिलिटी होती है सर वेदरिंग एक्शन से बचने का तरीका। तो वेदरिंग एक्शन से कैसे बचेंगे, तो वेदरिंग एक्शन से क्या होता है, सर फ्रीजिंग कर सकता है, अंदर जाएगा तो फ्रीजिंग कर सकता है, थोइंग कर सकता है, साथ के साथ आपको क्या कर सकता है, ड्यूरेबिलिटी के थ्रू आपके पास सीमेंट कंक्रीट को खराब भी कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास डिपेंड ये करेगा ना कि आपका सीमेंट कैसा है, एग्रीगेट कैसा है, तो सीमेंट एग्रीगेट रेशियो के ऊपर डिपेंड करेगी, ना कि एग्रीगेट वाटर रेशियो के ऊपर। पानी से कोई लेना देना नहीं है, आपका एग्रीगेट से लेना देना है, लेकिन एग्रीगेट कैसा है, सीमेंट कैसा है। अगर सीमेंट एग्रीगेट अच्छी क्वालिटी के हैं तो यहाँ पर वेदर रेजिस्टिंग आपकी अच्छी मिलेगी, नहीं मिलेगी, मिलेगी, तो सीमेंट पे और एग्रीगेट के ऊपर डिपेंड करता है आपका। तो सी ऑप्शन मेरा करेक्ट है, ठीक है। तो मैं जो कह दूं वो एकदम से न लगा दिया करो आप, कभी कभी मैं भी लगा देता हूं ऐसे, देख तो दू सी लेग हो गया क्या, अरे नहीं यार लैग तो नहीं हुआ मेरे ख्याल से, सीमेंट एग्रीगेट देखो ना, तो इसीलिए मैंने लगा दिया था वहां पर। देखो मिनिमम सीमेंट वाटर कंटेंट रेशियो, तो देखो वाटर कंटेंट रेशियो के बारे में आपको बता देता हूँ, 0.4 से लेकर 0.6 के बीच में चलता है, ठीक है। तो 0.4 मिनिमम और मैक्सिमम आप 0.6 तक ले लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो आप सर, अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन द कॉन्क्रीट शुड बी क्यूर्ड अंडर द ह्यूमिडिटी। देखो ये कह रहा है सर आईएस स्पेसिफिकेशन के हिसाब से आपका जो ह्यूमिडिटी है क्यूरेशन की, मेरे ख्याल से सबको पता होता है कि सर 90% ह्यूमिडिटी पे हम नॉर्मली क्या करते हैं, क्यूरिंग करते हैं। क्यूरिंग करते टाइम आपकी जो ह्यूमिडिटी है वो 90% चलना चाहिए। नेक्स्ट देखो आप, नेक्स्ट आपसे पूछा गया है क्या कि सर आरसीसी कंस्ट्रक्शन के लिए मैक्सिमम साइज ऑफ कोर्स एग्रीगेट कितना है, और यहां पर मेरे को ये भी बताओ व्हाई। दो रीजन क्यों है, कैसा है। देखो मैं देखो जो क्वेश्चन खराब है, जो सच में मतलब ऐसे है कि चलो ठीक है सर, उसको तो हम 10-15 बार कर चुके हैं, उनको मैं जल्दी जल्दी फास्ट मोड पे निकाल रहा हूं। जिस क्वेश्चन को हमने किया नहीं अब तक, वो क्वेश्चन को मैं रोक लेता हूं, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, आप चिंता ना किया करें। D25 बोला क्या, अच्छा 90, अच्छा ठीक है, डायनेमो ने दिया है सिर्फ अभी 20 mm ना, और बाकी बताए, अच्छा लैग कर रहा है हल्का हल्का ऐसा, सी सी सी, हाँ देखो क्यों ये वाई का जवाब दे। देखो 20 mm है, बिल्कुल कह दिया आपने सर 20 mm, देखो 20 mm क्यों है, यहाँ पर मैं इसका जवाब देता हूँ।
कि आरसीसी के अंदर आप क्या करोगे, देखो कॉम्पैक्शन भी तो करना है ना आपको। अब आरसीसी तो ओबीसी से बात है, उसके अंदर आपका सरिया भी जाएगा, सीमेंट भी जाएगा, ठीक है, सब कुछ जाने वाला है आपके पास, ठीक है। तो वहां पर आप देखो, जब हमने स्टील्स वगैरह उसके अंदर डाल दिया, रेनफोर्समेंट जब उसके अंदर प्रोवाइड करा दिया है, तो रेनफोर्समेंट जब मैं उसके अंदर प्रोवाइड कराऊंगा तो रेनफोर्समेंट, इसीलिए मैं यहां पर 20 mm यहां पर फिक्स कर देता हूं, सिर्फ इतनी सी बात है आपके पास। नेक्स्ट देखो आप, बिल्कुल 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 अभय गुप्ता बोले, स्ट्रीम तो सही जा रही है यार, बफर बफर फाउंडेशन बफर अब भी हो रहा है यार, ये तो कंटिन्यूस बफर हो रहा है यार। एक मिनट रुको, वन मिनट, वेट अ मिनट, देखो आ गए वापस से हम, देखो चालू हो गया, वापस चालू हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, वापस हो गया स्टार्ट। अरे क्या हो गया, हाँ बफर हो रहा है, वेट हो गया, सही हो गया, देखो डी ऑप्शन दे रहे सर, इमीडिएट आफ्टर प्लेसिंग। देखो कंसोलिडेशन क्या होता है, देखो यहाँ पर देखो, जो कंक्रीट को जो हम डेंस बनाने की जो हमारे हम करते हैं ना, डेंसिंग वगैरह करने के लिए जो हम वाइब्रेशंस वगैरह जो प्रोवाइड कराते हैं बाद में, डेट इज नोन एज कंसोलिडेशन। और प्लेस करने के बाद आप क्या करते हैं कि उसको डेंस करते हैं, आप डेंस बनाते हैं, वॉइड्स के अंदर रिडक्शन करते हैं, डेट इज योर नोन एज कंसोलिडेशन, ठीक है। तो कंसोलिडेशन क्या करते हैं, हम कंक्रीट को प्लेस किया, प्लेस करने के बाद हम उसको डेंस बना रहे हैं, उसके वॉइड्स को हटा रहे हैं, उसके वॉइड्स का जो रिडक्शन होता है ना, डेट इज नोन एज योर कंसोलिडेशन। और कंसोलिडेशन हम कब करते हैं, जब हम प्लेसिंग कर देते हैं उसके जस्ट बाद, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे, देखो थोड़ा सा लैग हो गया था बट ठीक है, हल्की फुल्की समस्या है, बाकी हो जाती है, बिल्कुल कर दी क्लियर मैंने ना। अब नेक्स्ट देखो आप, सर सेग्रीगेशन इन कॉन्क्रीट रिजल्ट इन, सर सेग्रीगेशन की वजह से आपके पास क्या हो जाता है, सर सेग्रीगेशन की वजह से आपके पास कौन से स्ट्रक्चर दिखने लग जाते हैं। अच्छा इन सबको जानते होंगे ना आप, तो हनीकॉम्बिंग तो बता चुके हैं हम, हनीकॉम्बिंग से तो गुजर चुके हैं ना हम, सर हनीकॉम्बिंग क्या हो जाती है आपके पास, ठीक है। हनीकॉम्बिंग तो दिखाई स्ट्रक्चर के, हनीकॉम्बिंग में नहीं बताया मैंने, हनीकॉम्बिंग मैचिंग मिक्सिंग ट्रांसपोर्टिंग प्लेसिंग कॉम्पैक्टिंग फिनिशिंग क्यूरिंग, ठीक है। बताओ जरा जल्दी से ना, ओके ठीक है। हनीकॉम्बिंग देखो मोटार्स के अंदर, देखो जब हम मोटार फिल किया, देखो अगर हनीकॉम्बिंग किसी को नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ कि हमने मोटार को लगाया किसी के ऊपर, ठीक है, मोटार को रखा, तो मोटार के अंदर होता है ना कि मोटार के अंदर गैप रह गए छोटे 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 छोटे, तो उन छोटे छोटे गैप्स को क्या बोल देते हैं हम यहाँ पर, हनीकॉम्बिंग बोल देते हैं। और ये क्यों हुआ हमारा, क्योंकि वहां पर कॉन्क्रीट अच्छी तरीके से कोहेसिव नहीं था, अगर कॉन्क्रीट कोहेसिव होता तो वहां सेग्रीगेशन नहीं होता है ना। सेग्रीगेशन का मतलब है कि सर पार्टिकल आपके अलग अलग भागे जा रहे हैं, वो कह रहा है एग्रीगेट अलग भाग गया, मोटार अलग भाग गया मोटार के अंदर से, ठीक है, फाइन अलग भाग गया, सीमेंट अलग भाग रहा है, ठीक है। तो इस तरीके को मैं बोल दूंगा क्या, सेग्रीगेशन। अब सेग्रीगेशन के अंदर आपके पास क्या होती है, हनीकॉम्बिंग होगी। हनीकॉम्बिंग का मतलब क्या था कि सर छोटे 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 वॉइड्स पड़ने लगे आपके पास, छोटे 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 छत्ता देखोगे, हनीवी का छत्ता देखा वैसे लगने लग जाता है आपके पास, ठीक है। सरफेस स्केलिंग का मतलब क्या है कि सरफेस के ऊपर क्या हो जाती है कि सर जैसे कि मैंने बताया कल आपको, वैसे आपके पास क्या होती है सरफेस के ऊपर जो लेयर है ना पूरी पूरी लेयर खराब होने लग जाती है, स्क्रेचिंग स्क्रेची लेयर आपके पास बनने लग जाती है, दैट इज नोन एज सरफेस स्केलिंग। सरफेस खराब होने लग जाता है ऊपर का, टॉप का सरफेस के ऊपर से देखा होगा ना, मोटार के ऊपर से जैसे देखा होगा ना दीवार के ऊपर से पपड़ी उतरती है, देखा है, वैसे सेम तरीके से सरफेस के ऊपर से कॉन्क्रीट सरफेस के ऊपर से उसी को बोलते हैं सरफेस स्केलिंग, जिसके अंदर कॉन्क्रीट के ऊपर से आपके पास परत निकल के बाहर आ जाएगी, ठीक है। पोरस लेयर का मतलब तो पता चल ही रहा होगा, नाम से पता है कि सर पोरस टाइप का बन गया है आपके पास, तो ऑल ऑफ द अबव इज द गिवन, ये सारे के सारे सेग्रीगेशन की वजह से होता है, कोई दिक्कत नहीं है, सब चीजें हम सीख ली हमने, कोई दिक्कत नहीं है। आगे कोई भी वर्ड आए तो कोई भी वर्ड ऐसा नहीं होना चाहिए आपको जो आपको पता नहीं हो, ठीक है। बीएमसी के अंदर इससे बेस्ट हो कहां जाएंगे हम, इससे बेटर क्या कर सकते हैं हम, इससे बेटर कुछ नहीं कर सकते हम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द, अब देखो यार ये तो आप ही की लड़ाई है, इसको ऐसे लड़ोगे, ऐसे लड़ना, एक एक पॉइंट आपको पता होना चाहिए, बाद में आगे कभी कोई क्वेश्चन आ जाए, कोई भी क्वेश्चन फंसे आपके पास, सारे के सारे क्वेश्चन ऐसे देखा आपने आंसर दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है आपको ना, इस तरीके से आने चाहिए आपके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल, मटेरियल की प्रॉपर्टी आप जानते हो, मटेरियल को आप देख के कैसी कैसी प्रॉपर्टी बता सकते हो आप। दो मटेरियल को रख लेना आप, एक मटेरियल को यहां रख लेना, दो मटेरियल रख लो, वन और टू, इन दोनों के बीच में हमने देखा, इन दोनों के बीच में हमने बता दी कौन सी प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी, तो दोनों के अंदर सीधा डिफरेंस करके आ जाएगी। देखो बताओ जरा इन दोनों के अंदर जो देख के मैं बता सकता हूं, इन दोनों दो चीजें रख लेना उसके अंदर देखना, बताना इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी आप देख सकते हैं।
जल्दी से बताएं जल्दी से, हार्डनेस सरफेस प्रॉपर्टी। देखो सरफेस प्रॉपर्टी नहीं बोलते, हार्डनेस एब्रेशन जो होती है आपकी, यहां पर एब्रेशन करेक्ट आंसर निकलेगा, एब्रेशन आपकी मैकेनिकल प्रॉपर्टी होती है, मैकेनिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, ये आपकी कौन सी नहीं है। देखो अब आपने देखा ना कि सर ठीक है, एक मैंने दो सर्फेसेस ले ली, दो ले ली आपने ना, एक आपने लाइट वेट लिया है, तो लाइट वेट देख के बता दो कि सर इसके अंदर तो क्या है कि इसकी डेंसिटी कम है, इसकी डेंसिटी ज्यादा है। डेंसिटी का तो साफ देख के पता चल जाता है, फिजिकल प्रॉपर्टी है इसकी। ठीक है, डेंसिटी, अब डेंसिटी से आपको पता चल जाएगा फायर रेजिस्टेंस। मैंने बताया था आपको लो वेट कंक्रीट के बारे में, हाई वेट कंक्रीट के बारे में, आपका फायर रेजिस्टेंस जिसकी जितना डेंस होगा डेंसिटी के हिसाब से आपके फायर रेजिस्टेंस पे फर्क आ जाता है। बताया था डेंसिटी का फायर रेजिस्टेंस के बारे में, लो वेट कंक्रीट के बारे में बताया था, लाइट वेट कंक्रीट के बारे में बताया था। लाइट वेट कंक्रीट कैसा होता है, मेरा फायर रेजिस्टेंस कम होता है ना। ठीक है, तो देख के बता सकते हो आप। बाकी यार ऐसा देखो, चलो ठीक है, फायर रेजिस्टेंस अगर इससे समझ नहीं आ रहा है तो आपको याद करने के लिए ट्रिक बताऊं। इसको मान लो ये सर ये कंक्रीट है और इसको मान लो आप ये लकड़ी है, इसके अंदर फायर रेजिस्टेंस दोनों में देख के बता दो कि आप कि सर ये फायर रेजिस्टेंस ज्यादा है कि ज्यादा है। ठीक है, तो देख के बता दिया आपने। ड्यूरेबिलिटी, कौन सी ज्यादा ड्यूरेबल रहेगी, ड्यूरेबल भी आपने देख के बता दी। तो कोई भी मटेरियल बोला ना इसने, कंक्रीट थोड़ी बोला, इसने बोला सर कोई से मटेरियल के अंदर देखा, मैंने एक लकड़ी ले ली, एक मैंने स्टील ले लिया। अब स्टील ज्यादा ड्यूरेबल है, लकड़ी ज्यादा ड्यूरेबल है, देख के पता चल जाएगा आपका। एब्रेशन के लिए आपको टेस्ट करना पड़ेगा सर, कितना आपके पास स्क्रेच करूंगा तो स्क्रेच के अगेंस्ट कौन रेजिस्टेंस ज्यादा देगा। ठीक है, दो प्रॉपर्टी उठा के देख लो यार, सीधी सी बात। नेक्स्ट, जिसको नहीं आ रहा समझ में वो ये कर लो। बल्क डेंसिटी तो आपकी फिजिकल प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट देखो, व्हेन सीमेंट एंड लाइम आर यूज्ड, तो देखो सीमेंट, देखो मैंने क्या बोला था, सीमेंट भी ले लिया, लाइम भी ले लिया। देखो एक्चुअली में क्या होता है, जब लाइम मोर्टार बनाते हैं तो लाइम और सैंड तो यूज करते ही करते हैं, लाइम और सैंड तो यूज करते ही करते हैं। लेकिन यहाँ क्या करते हैं कि सर लाइम की आपके पास स्ट्रेंथ नहीं होती बहुत ज्यादा, लाइम की स्ट्रेंथ नहीं होती और लाइम जल्दी से सेट भी नहीं होता, तो स्ट्रेंथ भी नहीं देता है ज्यादा, तो इसलिए हम इसके अंदर थोड़ा सा पार्ट का सीमेंट मिला देते हैं, कमी पार्ट मिलाते हैं। ठीक है, 1:6 आपका रेशियो रहता है, 1:6 आपका रेशियो रहता है लगभग। ठीक है, इस रेशियो में मिलाते हैं। ठीक है, इस रेशियो में जब जैसे आप इनको मिलाओगे, यानी कि थोड़ा सा पार्ट आपने सीमेंट का मिला दिया आपने लाइम के अंदर, तो आपका कौन सा मोटर बन जाता है, घोष मोटर बन जाता है, इसको घोष मोटर बोलते हैं। ठीक है, तो घोष मोटर बोलते हैं, सीमेंट प्लस लाइम दोनों के दोनों जिसके अंदर आ जाए। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन हम 100 बार जाने कितने हजारों दफा कर चुके हैं। देखो फाइननेस कैसे निकालते हैं सीमेंट की, तो फाइननेस हम निकाल सकते हैं सीम एनालिसिस से या एयर परमेबिलिटी टेस्ट से। तो ब्लेन का एयर परमेबिलिटी टेस्ट जो आपके पास होता है, ये परमेबिलिटी नहीं निकालता है, ये सिर्फ और सिर्फ आपको सरफेस एरिया निकाल के देता है। उस सरफेस एरिया की कैलकुलेशन के थ्रू मैं यहाँ पर फाइननेस कैलकुलेट कर लेता हूँ कि जिस मान लो कुक्सीबेट का मेरे पास अगर सरफेस एरिया ज्यादा आ रहा है तो यानी कुल मिलाकर वो ज्यादा फाइन होगा। ठीक है, यानी कि ज्यादा टुकड़े करके सेम अमाउंट का अगर मेरे पास है। सेटिंग टाइम के लिए आपका विकेट अपरेटस काम में आता है, साउंडनेस के लिए आपका लीचेटलियर अपरेटस काम में आता है, और यहाँ पर इसका तो बताना ही नहीं पड़ेगा सर, स्लम कोन आपके पास काम आता है वर्केबिलिटी के लिए, एज वेल एज कंसिस्टेंसी भी निकाल सकते हैं आप इससे। अभी कह रहे हैं सर मिनिमम सीमेंट कंटेंट इसका होता है, जरा जवाब देखो, है तो ईएससी 19 का सवाल। अभी देखो क्वेश्चन कितना खराब लगेगा आपको, जैसे आप करने बैठोगे लग रहा है ईएससी का क्वेश्चन है सर, बहुत अच्छे पानी पी लेता हूं मैं। ठीक है, बताओ जरा इसका जवाब दो। आ गए जवाब, आ गए जवाब, और आप भी आ गए जनाब, हाँ इधर उधर घूम आए बढ़िया अच्छे तरीके से। आप देखो, देखो अब बीएमसी के बारे में, देखो क्वेश्चन ईएससी 19 का जरूर है। अच्छा ये बताओ, चलो ठीक है, देखो देख लिया। अच्छा ये बताओ, वाटर सीमेंट रेशियो क्या होता है, डब्ल्यूसी रेशियो क्या होता है, वाटर टू सीमेंट रेशियो। तो सीमेंट बराबर क्या हो जाएगा, वाटर टू वाटर सीमेंट रेशियो। वाटर सीमेंट रेशियो बराबर क्या होता है, वेट ऑफ वाटर टू वेट ऑफ सीमेंट। तो सीमेंट का वेट कैसे निकालोगे आप, वेट ऑफ वाटर टू द वाटर सीमेंट रेशियो, तो वाटर कंटेंट पर तो वाटर सीमेंट रेशियो है। इसमें क्या आता है, इसमें कौन सा आपको ज्यादा दिमाग लगाना होता है, चलो पढ़ाओ आगे, ऐसा सवाल है। अच्छा क्या कह रहे हैं सर, थोड़ा हट जाइए थोड़ा, अरे ठीक है हट जाएंगे आपको। इसको बताओ जरा जवाब। अब आए क्वेश्चन अच्छे, ईएससी 19 का क्वेश्चन है, और बढ़ा दूं इसको और जूम कर दूं, फिर कहोगे सर ऑप्शन नहीं दिख रहे, ऑप्शन देखो पढ़ लो इसको। परमेबिलिटी इन कंक्रीट स्टडी टुवर्ड्स प्रोवाइडिंग फॉर और गार्डिंग अगेंस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स, यानी कि यहां पर कह रहा है सर कंक्रीट के अंदर जो परमेबिलिटी की स्टडी करते हैं उसके अंदर किस किस चीजों को देखते हैं। सारे के सारे स्टेटमेंट देखो आप, स्टेटमेंट देख के आप बताओ कि सर उसको हम क्या कहते हैं कि सर किसके लिए प्रोवाइड कराते हैं, क्यों हम गार्ड करते हैं, यानी कि परमेबिलिटी के बारे में बात करें कि सर परमेबिलिटी का इफेक्ट क्या आने वाला है आपका कंक्रीट के ऊपर। ठीक है, स्ट्रेंथ के बारे में देखेंगे, तो सर पेनिट्रेशन, तीनों के चारों स्टेटमेंट पढ़ो जल्दी से जवाब दो मेरे को, जल्दी से आंसर दो।
अरे कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से निकाल दो, चलो टाइम ले लो आप, ठीक है टाइम ले लो आप, ठीक है। पर जवाब बिल्कुल करेक्ट देना यार, मेरे ख्याल से निकलने चाहिए कम से कम 10 लोगों को तो सही निकलेंगे। वेटो वाटर दो, वेटो सीमेंट, देखो बहुत ईजी था, बहुत ईजी था। अच्छा दिख नहीं रहा, कोई ऐसा नहीं बोलेगा, तीन स्टेटमेंट दे रखे, थर्ड स्टेटमेंट यहां खत्म होगा। स्टील, ये इसी के नीचे का स्टेटमेंट है, थोड़ा सा स्टील लीडिंग, ठीक है। अब सब दिख रहा होगा, ये भी नीचे भी स्टील है, ठीक है। ये एक ही स्टेटमेंट है पूरा, है ना, ये थर्ड स्टेटमेंट यहाँ है, 1 2 3 तीन स्टेटमेंट है आपके पास। स्टेटमेंट पूरा पढ़ो, आंसर दो। ए 1 2 3 सोरो बेटा, बड़े देर बाद आया आप, ठीक है, देर आया दुरुस्त है यहाँ। चलो देखो आप, ये कह रहे हैं सर परमिबिलिटी टेस्ट के अंदर सबसे पहला कह रहा है सर परमिबिलिटी टेस्ट से आपको फर्क क्या पड़ेगा, परमिबिलिटी से फर्क क्या पड़ेगा कंक्रीट के अंदर। पहला आपके पास पहला स्टेटमेंट पढ़े, पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि सर द पेनिट्रेशन बाय मटेरियल्स इन सॉल्यूशन मे एडवर्सली अफेक्ट द ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट, मोर ओवर एग्रेसिव लिक्विड अटैक द कंक्रीट, ठीक है। ये कह रहा है सर परमिबिलिटी के बारे में अगर मैं बात करूं तो परमिबिलिटी आपके पास जैसे जैसे ज्यादा बढ़ेगी, अगर मान लो सर परमिबिलिटी बढ़ी तो आपके पास क्या आ जाएगा कि सर ड्यूरेबिलिटी के ऊपर एडवर्स इफेक्ट डालेगा, और साथ के साथ आपके पास क्या हो जाएगी सर लिक्विड अटैक ज्यादा होंगे, यानी कि परमिएबल ज्यादा है अगर इतनी मेरे पास, मान लो ज्यादा परमिबिलिटी है किसी भी कंक्रीट के अंदर, तो कंक्रीट के अंदर पानी जाएगा, पानी जाके आपके पास क्या हो जाएगा अफेक्ट करेगा, भाई पानी जाएगा कंक्रीट के अंदर, तो कंक्रीट के अंदर क्या हो जाएगा, कंक्रीट के अंदर आपके पास केमिकल अटैक होने लगेंगे, क्योंकि पानी के अंदर में तो आपके पास सोल्यूबल बहुत सारे यहाँ पर मटेरियल होते हैं, या सोल्यूबल केमिकल्स बहुत सारे होते हैं उसके अंदर, तो वो अटैक करेगा, एग्रेसिव लिक्विड बनेगा, और साथ के साथ ही कॉन्क्रीट को क्या कर देगा, ड्यूरेबिलिटी को खराब कर देगा। बिल्कुल सही कह रहा है, सही कह रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड केस सर, जो आपका पानी अगर उसके अंदर गया, मॉइस्चर कंटेंट जैसे जाएगा, अगर यदि मान लो रेनफोर्स्ड कॉन्क्रीट है, तो रेनफोर्स्ड कॉन्क्रीट के केस में मॉइस्चर गया अंदर, एयर गई अंदर, तो एयर मॉइस्चर जैसे ही अंदर जाएंगे परमिबिलिटी के केस में, या मॉइस्चर जैसे ही अंदर जाएगी किसके अंदर, सेम आरसीसी के अंदर, तो आरसीसी के अंदर जाएगी तो सर वहां पे और कुछ करे नहीं करे, लेकिन मेरे स्टील का कोर्स जरूर कर देगी। सीधी सी बात है यार, लोहे जंग तो लगेगा ही लगेगा ना, स्टील के अंदर जंग तो लगेगा ही लगेगा, तो स्टील के अंदर आपका क्या कर देती, कोर्जन कर देती। ये भी कह रहा है, ये भी बिल्कुल करेक्ट कह रहा है। लेकिन यहाँ पर देखो थर्ड ऑप्शन क्या कह रहा है, थर्ड कह रहा है आपसे कि सर द मॉइस्चर पेनिट्रेशन डिपेंड्स ऑन परमिबिलिटी एंड द कॉन्क्रीट कैन बिकम सैचुरेटेड विद वाटर इज लेस वल्नरेबल टू फ्रॉस्ट एक्शन। पढ़ो इस क्वेश्चन को जल्दी से, और उसका जल्दी से आंसर मेरे को बताओ, जरा थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा कि नहीं होगा, जल्दी से देखो आप, जल्दी देखो आप, जल्दी से आंसर दें। थर्ड ऑप्शन कह रहा है कि सर जो मॉइस्चर पेनिट्रेशन है वो आपका परमिबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है, बिल्कुल नो डाउट डिपेंड करता है, तो कॉन्क्रीट आपके पास सैचुरेटेड हो जाएगा वाटर के साथ, इसलिए वो फोर्स फ्रॉस्ट एक्शन से लेस वल्नरेबल रहेगा। एक बात बताओ, पानी अगर ज्यादा चला गया उसके अंदर तो केमिकल रिएक्शंस नहीं होंगे, केमिकल रिएक्शंस नहीं होंगे, और लेस वल्नरेबल थोड़ी रहेगा यहां पर, तो आपके पास स्ट्रेंथ तो रिडक्शन हो जानी है, तो मॉइस्चर पेनिट्रेशन आपका परमिबिलिटी पर डिपेंड करता है, नो डाउट करता है, लेकिन हम क्या करते हैं, पानी तो जाएगा ही जाएगा, थोड़े बहुत वर्ड्स तो रहते रहते हैं, लेकिन हम यहां पर परमिबल हम कभी भी नहीं बनाएंगे किसको, हमारी कॉन्क्रीट को, ताकि उसके अंदर फ्रॉस्ट एक्शन हो जाए। फ्रॉस्ट एक्शन हम चाहते हैं क्या, हम कतई नहीं चाहते हैं, ठीक है। तो ये यही तो कह रहा है ना कि लेस वल्नरेबल हो जाए, तो फर्स्ट करेक्ट हो गया, सेकंड आपका करेक्ट हो गया, हम कभी नहीं जाएंगे सर उसके अंदर फ्रॉस्ट एक्शन के अगेंस्ट, यहाँ पर आपके पास रह जाए, ठीक है। तो फ्रॉस्ट एक्शन की बात कभी नहीं करेंगे, मॉइस्चर पेनिट्रेशन हमारा कभी नहीं करेंगे, ठीक है। तो जब हम परमिबिलिटी को बढ़ाएंगे तो परमिबिलिटी के केस में हम यहाँ पर फ्रॉस्ट एक्शन की बात नहीं करेंगे, तो 1 और 2 आपका करेक्ट हो जाता है, थर्ड आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखो आप, फ्रॉस्ट एक्शन ज्यादा होगा ना, ऑब्वियस सी बात है, पानी जाएगा तो देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ठीक है, आ गया, देखो नेक्स्ट, देखो नेक्स्ट भी इसी का क्वेश्चन है। देखो ये कह रहे हैं सर विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स विल हेल्प इन रिड्यूसिंग सेग्रीगेशन इन कॉन्क्रीट, सेग्रीगेशन ऑफ कॉन्क्रीट, जो सेग्रीगेशन होने वाला है उस सेग्रीगेशन से बचाने के लिए मैं क्या 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 कर सकता हूं, आप ऑब्वियसली बातें मेरे को बताओ। सबसे पहले कह रहा है सर हम वाइब्रेटर को यूज नहीं करें, वाइब्रेटर को यूज नहीं करने का मतलब है कि सर हम ओवर कॉम्पैक्शन ना करें या ओवर कंसोलिडेशन ना करें, ओवर कॉम्पैक्शन ना करें या फिर ओवर वाइब्रेशन ना करें, या ओवर वाइब्रेशन लिख दो, कॉम्पैक्शन लिख दो आप, या चाहे ओवर वाइब्रेशन लिख दो, ठीक है।
ओवर वाइब्रेशन ना करें, यही तो कह रहा है मेरा ये कि सर ओवर वाइब्रेशन ना करें, इसलिए नॉट यूजिंग वाइब्रेटर टू स्प्रेड द कंक्रीट। कंक्रीट को स्प्रेड करने के लिए आप क्या नहीं लगाओ, वाइब्रेशंस मत लगाओ कंक्रीट के अंदर। अगर यदि वाइब्रेशंस जितने ज्यादा जाएंगे, मैं इतनी देर से यही कह रहा हूं, कंक्रीट के अंदर जितने ज्यादा वाइब्रेशंस जाएंगे ना, उतनी ज्यादा ही दिक्कत मेरे को आने वाली है। तो पहला स्टेटमेंट क्या हो गया मेरा पास, बिल्कुल ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं, पहला स्टेटमेंट मेरा करेक्ट है कि हम नहीं वाइब्रेशन प्रोवाइड करेंगे कंक्रीट को, तो हम क्या करेंगे सेग्रीगेशन से बच जाएंगे। नेक्स्ट सेकंड कह रहा है कि सर रिड्यूसिंग द कंटिन्यूड वाइब्रेशन। अब यहां पर ओवर वाइब्रेशन की कंडीशन यहां पर भी है कि नहीं है कि सर ठीक है, एक तो आपने वाइब्रेशन को नहीं अट किया, यहां पर आपने कंक्रीट को फैलाने में भी वाइब्रेशन यूज नहीं किया और आपने रिड्यूस कर दिया कंटिन्यूड वाइब्रेशन। जब बहुत टाइम तक रेगुलर तरीके से वाइब्रेशन जहां पर प्रोवाइड करा रहे थे वहां पर उस वाइब्रेशन को भी घटा देंगे। अब वाइब्रेशन घटेगा तो कुल मिलाकर कैसे भी करके वाइब्रेशन घटा हुआ आप सेग्रीगेशन ऑटोमेटिकली घट जाएगा, ठीक है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, थर्ड आपके पास कह रहा है, ये थर्ड ऑप्शन करेक्ट है कि नहीं है ये बताओ जरा जल्दी से आंसर। ऑल ऑफ दीज, ये ऑल ऑफ दीज वाले कौन है ये मेरे को जरा बताओ, ये ऑल ऑफ दीज वाले है ना, ये बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है, थर्ड ऑप्शन नहीं होगा। अब क्यों नहीं होगा इसका आंसर सुनो आप, पहले थर्ड ऑप्शन पढ़ लो ढंग से, ऑल ऑफ दीज कर दिया गलत है, हो गया गलत। अब देखो नेक्स्ट थर्ड क्या कह रहा है, इंप्रूविंग द कोहेजन ऑफ ए लीन ड्राई मिक्स थ्रू एडिशन ऑफ फर्दर स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर। सर ये तो बिल्कुल आप गलत कह रहे हो, इस बार से थर्ड कैसे होगा, कैसे होगा, क्यों होगा, चार चार दिमाग में आ रहे होंगे क्वेश्चन आपके पास, सारे क्लियर करता हूं। देखो इसने यहां पर क्या बोला कि सर आपने कोहेजन को बढ़ाओ उसके अंदर, तो कोहेजन कब बढ़ेगा। अब देखो यहां पर एक तो लीन मिक्स है, लीन मिक्स का मतलब क्या होता है, लीन मिक्स का मतलब है आपके पास सीमेंट की क्वांटिटी कम है, वाटर के कंपेरिजन में सीमेंट की क्वांटिटी कम है, ठीक है, सीमेंट की क्वांटिटी कम को हम लीन मिक्स बोलते हैं, सीमेंट की क्वांटिटी कम को लीन मिक्स बोलते हैं, सीमेंट की क्वांटिटी ज्यादा है तो उसको कौन सा मिक्स बोलेंगे, रिच मिक्स बोलेंगे। ठीक है सर, सीमेंट की क्वांटिटी कम है लेकिन यहां पर ये ड्राई भी तो लिख रहा है, सीमेंट भले ही कम है लेकिन ये ड्राइड है, ये ड्राई मिक्स है आपके पास, और ड्राई मिक्स से आप कैसे एक्सपेक्टेशन कर सकता हूं कि कोहेजन आएगा, आप कंक्रीट डाल रहे हो, ठीक है, कंक्रीट को ड्राई रख रहे हो, जब ड्राई कंक्रीट है आपके पास, लीन मिक्स है, लीन पूरा का पूरा ड्राई पड़ा है, ड्राई भी तो पढ़ो साथ में। अरे ड्राई अगर मेरे पास लीन ड्राई मिक्स है, अगर सूखा मिक्सर है यहां पर, तो सूखे मिक्सर में कहां से कोहेजन होगा, और सूखे मिक्सर में जहां तक कोहेजन ही नहीं होगा, जब तक एक दूसरे को पार्टिकल बॉन्ड करके नहीं रखेंगे तब तक तो उसके अंदर सेग्रीगेशन ही है, तब तक तो सारे अलग अलग ही है, वो ऑलरेडी सेग्रीगेट पड़ा हुआ है, सेग्रीगेशन का मतलब ये तो है सब अलग अलग पड़े हुए हैं। अब यहां पर देखो अगर आपका मिक्स लीन है और साथ में ड्राई है, एक तो सीमेंट ऑलरेडी कम है, ठीक है सीमेंट तो कम है, चलो ठीक है माना सीमेंट कम है, सीमेंट एक तो ऑलरेडी सीमेंट बाइंड नहीं कर पा रहा, ऊपर से आपने पानी भी कम डाला है, तो पानी कम डालोगे सभी कॉन्क्रीट में, एज्यूम करो कॉन्क्रीट में पानी ही नहीं है, सीमेंट तो नहीं है पानी भी नहीं है, तो क्या होगा यार, बिल्कुल कैसा है, सूखी अवस्था में अगर सीमेंट को छोड़ोगे तो कौन सा सेग्रीगेशन, सब अलग अलग ही है आपके पास, अभी कंक्रीट अलग पड़ा है, वो अलग पड़ा है, वो अलग पड़ा है, तो कुल मिला के आप जब स्मॉल क्वांटिटी का पानी, इसने यूं तो कहा नहीं हैवी क्वांटिटी का पानी डालेंगे, इसने क्या बोला सर स्मॉल क्वांटिटी का पानी डालेंगे, कितना डालेंगे सर थोड़ा सा पानी डालो जिससे वो क्या हो जाए बढ़िया अच्छे तरीके से अच्छे से मिक्स हो जाए और साथ साथ कोहेजन भी दे दे। अब आया नहीं आया बात समझ में, ठीक है, तो 1 2 3 ऑल, अरे अच्छा सॉरी, अरे ओके ओके ओके, अरे हाँ तो ये सही है ना करेक्ट स्टेटमेंट, अच्छा मैंने गलत लिख दिया, ओके कोई बात नहीं मैंने गलत लिख दिया सॉरी, सारे के सारे स्टेटमेंट सही है, मैं करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर रहा था, चल ठीक है मैंने बताया एक्सप्लेनेशन सही दिया है मैंने, लेकिन यहाँ पर हाँ तीनों के तीनों ऑप्शन सही है, सॉरी यहाँ पर देखो मैं ऑप्शन लगाने में गलत हो गया लेकिन एक्सप्लेनेशन तीनों के सही थे, ठीक है एक्सप्लेनेशन तीनों के सही थे, यहाँ पर मैंने ड्राइंग में तो एडिशन करते हैं, ठीक है एक्सप्लेनेशन तो पूरा सही दिया था, एक्सप्लेनेशन तो सही है आपके पास, एक्सप्लेनेशन सही है, ऑप्शन लगाने में थोड़ी गलती हो गई यार, ऑप्शन गलत टिक कर दे, देखो ये टाइप की भी आपके पास वहां गलतियां हो जाती है कभी कभी, एक तो यहाँ हुई है मैंने ऑप्शन गलत लिख दिया बाकी पूरा सब सही चल रहा है, ये गलतियां क्या होती है वहां पे एग्जाम में भी हो जाती है कभी कभी, तो आदमी को आता बहुत कुछ होता है लेकिन वहां परफॉर्म नहीं कर पाता, सेम गलती यहाँ पर मैंने कर दी, ठीक है तीनों के तीनों बिल्कुल सही कह दिया मैंने, तीनों को जान लिया हमने और यहाँ पर मैंने ऑप्शन गलत लगा दी, ठीक है ओके कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर ऑप्शन गलत लगाया लेकिन तीनों को बोला तो सही ना, तो बोला सही तो वो तो याद रखो कम से कम, बात क्या कर रहा हूं मैं आपसे, डिस्कशन किस बात पे चल रहा है, ठीक है हो गया सब क्लियर है, पानी दी ही नहीं, अबे ड्राई मिक्स से सही बात, थोड़ा वाटर मिलाएंगे तो कोहेजन आएगा ना सर, अरे बिल्कुल सही कह रहा हूं मैं, कोहेजन आएगा, मैं भी तो ये कह रहा हूं कोहेजन आएगा, ठीक है समझे मेरी बात को, अरे इमोशन समझो यार, यहां ऑप्शन गलत टिक कर दिया मैंने, यहां पर नोट इंप्रूविंग, यहां पर नोट पढ़ लिया मैंने, ठीक है चलो ठीक है दूंगी बाय सर, ठीक है चलता है इतना थोड़ा बहुत, कभी कभी बाई चांस आप ऑप्शन गलत लगा जाते हो आपको पूरा कुछ पता होता है, ठीक है तो ये बिल्कुल आपका ऑप्शन करेक्ट था, 1 2 3 तीनों के तीनों ऑप्शंस करेक्ट है, मैंने यहां पर नॉट इंप्रूविंग कर दिया था, ओके क्लियर है। अच्छा अबे गुप्ता ने बोल दिया सर ठीक है हमारी तरफ से, तो क्या है सर ठीक है, तो इमोशंस को समझो जरा, है
बस मेरे में समझो, हाँ सर मेरे में समझो, कभी कभी उसके तो समझते समझते होंगे आप, वो बात मैं जानता हूँ, ठीक है हमारे भी समझ लो थोड़े से, ठीक है बाकी क्लियर है। और सर हमको तो सही पता था, हाँ बिल्कुल सही पता था यार आपको, आप कब कह रहा हूँ मैं आपको नहीं पता होता है, ठीक है। उसके बाद है ना देखो ये खत्म करेंगे हम बीएमसी की सीरीज, जल्दी खत्म कर रहे हैं अभी हम, ठीक है ज्यादा बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, फाइव टू सिक्स लेक्चर कितने ले बताओ जरा, सिक्स लेक्चर्स ले लें, सिक्स लेक्चर में कंप्लीट खत्म करेंगे, फाइव में करें, फाइव टू सिक्स तो लेंगे ही लेंगे यार, इतने तो जाएंगे जाएंगे, फाइव टू सिक्स तो जाएंगे जाएंगे अभी हो रहे हैं ना, ट्वेंटी लेक्चर्स के आसपास पड़ेंगे आपकी कल मिला के, ठीक है ट्वेंटी आवर्स के आसपास का बैठेगा ये बीएमसी बिल्डिंग मटेरियल प्लस कंक्रीट मिला के, देखो अच्छे लेवल पे करो ना, कर ही रहे हो तो एक बार ही तो करना, कौन सा बार बार करने आना है अपना, ठीक है ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ कल भी आगे बीएमसी पढ़ रहा, नहीं फिर कल कुछ और सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे। और सर्वे के जो एडिशनल है ना एडिशनल लेक्चर, देखो 16 लेक्चर्स तक आपके पास अपलोडेड है ऑलरेडी, है ना 17 कल अपलोड कर दिया हमने ना, तो एडिशनल लेक्चर्स पड़े हुए थे उसके, और एडिशनल लेक्चर्स थे वो जो सारे लेक्चर्स हैं पूरे प्लेलिस्ट में, उसमें से एडिशनल लेक्चर्स हैं वो अपलोड हुए जा रहे हैं रेगुलर तरीके से, तो वो चार या पांच लेक्चर्स एडिशनल हैं वो सारे के सारे अपलोड हो रहे हैं अभी, ठीक है तो उनको देख लेना आप, फायदा रहेगा आपका। उस टाइम लाइव क्लासेस में नहीं देखा होगा किसी ने, बहुत सोने देखी है सर्वे, वहां पर सर्वे बहुत अच्छे लेवल में पढ़ाई थी ना हमने, बहुत अच्छे लेवल से देखी थी, तो उससे आगे चल रहा है अभी फिलहाल मामला, ठीक है गाइस बाकी मिलते हैं इसी तरीके से बात करते रहेंगे, और क्या है आप हो मैं हूं और क्या ये बातें हैं और क्या साथ में थोड़ा बहुत डिस्कशन है, इसको ऐसे करते रहेंगे, ठीक है गाइस मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में, 2:30 पे आ जाना यहाँ पे, 2:30 पे दिखते नहीं हूँ बहुत देर तक तो मैं देखता हूँ कहाँ चले जाता हूँ। विंडोज भी पढ़ा देना सर, विंडोज भी पढ़ा देना, विंडोज का क्या मतलब है, अच्छा विंडोज, अच्छा वो विंडोज मैं सोचा ये पीछे विंडोज की बात कर रहे हो आप, मैं क्या यार ये विंडोज वगैरह तो नहीं समझ आती मेरे को, विंडोज एप्पल एंड्रॉइड वगैरह, विंडोज एंड्रॉइड दोनों ही समझ नहीं आती मेरे को, मैंने क्या पढ़ा है, चलो विंडोज भी पढ़ा दे, विंडो डोर अभी बात करेंगे ना, बीटी कब चालू करेंगे, बिल्डिंग टेक्नोलॉजी चालू करेंगे, विंडोज भी पढ़ाएंगे, डोर भी पढ़ाएंगे, आर्चेस भी पढ़ाएंगे, और बताओ आप और दो चार और कुछ, ठीक है वो सब पढ़ाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सर्वे की टेस्ट सीरीज में सर कुछ आंसर्स लॉन्ग लग रहे हैं, मैंने देखा उसमें कुछ एक क्वेश्चंस, उसका मैंने आज का टाइम मांगा था उसके लिए, ठीक है कि आज के मैच में देखूंगा, देख के मैं देख लूंगा, रिपोर्ट कर दिया करो आप वहां पे, रिपोर्ट कर दो आप वहां पर कि सर इस क्वेश्चन में कुछ डाउट है, एक्सप्लेन करके मैं वहां पर डाल दूंगा, ठीक है सॉल्यूशन, ठीक है ओके गाइस, क्योंकि यार टाइपिंग में कभी कभी मिस्टेक हो जाती है यार, टाइपिंग में मिस्टेक आ जाती है कभी कभी, ठीक है। और साथ के साथ क्या है कि कभी सॉल्यूशंस भी काफी सारी मैं कुछ ना कुछ चेंजेस आपको देखने को मिल जाते हैं कभी कभी, ठीक है गाइस मैं देखता हूँ बाकी, बाय थैंक्स फॉर वॉचिंग, ठीक है मिलते हैं कल 2:30 आना ना भूलें, और यूपीपीएससी की जो टेस्ट सीरीज है ए की, वो चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हो, यूपीपीएससी नाम से डाल रखी है वो, उसका कॉस्ट कुछ नहीं है फिलहाल, फ्री टेस्ट दे लो आप, जितने फ्री टेस्ट है उतने तो दे लो, बाकी परचेज कर लेना अगर यदि आपका मन करे तो परचेज कर लेना, वैसे 49 रुपीज में कुछ नहीं आता, 50 में आधा लीटर पेट्रोल भी नहीं आ रहा आजकल, ठीक है तो अभी यहाँ पर बात करेंगे, तो उसको देख लेना एक बार, सारे के सारे सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दोगे ना तो आपको पता चलेगा आप कितनी डेप्थ में हो, एक बार फ्री टेस्ट तो ले लो आप, आपको अच्छा लगे फिर बाकी देख लेना आप, ठीक है गाइस मिलते हैं, बाय थैंक्स फॉर वॉचिंग, कल मिलते हैं 2:30 पे, ठीक है गाइस।